नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत आप सबका। आने के लिए धन्यवाद। हम मनुष्य पंचभूत तत्वों से बने हैं, फाइव एलिमेंट्स। ये पांच एलिमेंट्स हैं पृथ्वी, जल, तेज, अग्नि, वायु और आकाश। इसे हम भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर कहते हैं। भगवान। ये पांच तत्व हमारी बॉडी में हर जगह विद्यमान है और इसके कलेक्टिव सिस्टम से हमारी बॉडी बनी है। हम मृत्यु के बाद कहाँ जाते हैं, ये एक बड़ा विचित्र सा प्रश्न होता है। मृत्यु एक शब्द मात्र है। मृत्यु का मतलब है कि ये शरीर छूट गया। ये शरीर जब छूटता है तो ये पांच तत्व छूटते हैं मात्र। उसके अलावा भी बहुत कुछ है हमारे अंदर, यानी कि सबसे पहले जो गर्भ में धारण होता है वो एक स्पर्म और एग होता है, फिर शरीर बनता है। और गर्भ में स्पर्म और एग को बनाने की जो शक्ति है वो एक अलग चीज है जिसके कारण से शरीर बनता है। वो शक्ति क्या है, उस शक्ति को हम शब्द बोलते हैं, कॉन्शियसनेस। ये एक शब्द है। जैसे आप मान के चले पानी, पानी की बूंदे ले लें आप, 20 पानी की बूंद 20 कंटेनर्स में हम डालते हैं, एक कंटेनर में, दो में, तीन में, चार, पांच, छह। अब सब जगह पानी की एक बूंद पड़ी हुई है। ये पानी की बूंदें ऐसी हैं कि हमने अलग अलग कर दी हैं और अलग अलग कंटेनर्स में डाल दी हैं। अगर हम पानी की बूंदें 20 कंटेनर में से निकाल के एक साथ इकट्ठा कर दें तो वो पानी का एक बड़ा घूंट बन सकती है। ऐसे बहुत सारे पानी के छोटे छोटे स्रोतों को इकट्ठा कर दिया जाए तो वो पानी इकट्ठा होकर एक समुद्र बन जाता है। तो पानी अलग अलग हुआ तो पानी की बूंद कहलाई गई, इकट्ठा हो गया तो समुद्र कहलाया गया, है सब पानी। ऐसे जब हम अपने शरीर से जाते हैं ये पांच तत्व छोड़कर, तो कुछ जो जाता है वो है कॉन्शियसनेस। इस कॉन्शियसनेस को हम आम भाषा, चालू भाषा में शब्द देते हैं आत्मा। तो एक गुण, दो गुण, चार गुण, एक आत्मा, दो आत्मा, तीन आत्मा, दस आत्मा, ये इकट्ठा होके कॉन्शियसनेस इकट्ठा होती है परम आत्मा के पास। आत्मा जब बहुत ज्ञानी हो जाती है शारीरिक रूप से तो उसे महान आत्मा कहते हैं, उसका शब्द छोटा है महाआत्मा। और जब वो परम तत्व में विलीन होती है, जो समुद्र है, उस ओशन ऑफ कॉन्शियसनेस को कहते हैं परम आत्मा। तो यानी कि सबसे पहले पैदा वो हुआ जो पैदा नहीं होता, वो है परम। उसके बाद कुछ बना उस आत्मा से, जो उसकी एक्सटेंशन थी वो बनी आत्मा, एक टुकड़ा, एक बूंद। उस बूंद को आगे मिला एक शरीर, एक कंटेनर। जैसे कि हमने चाय पीनी है तो एक कंटेनर चाहिए, कैसे पीएंगे, हवा में कैसे पीएंगे। वी नीड समथिंग, प्लेट चाहिए, दाल और भात खाना है तो हमें प्लेट चाहिए। प्लेट का वजूद नहीं है, लेकिन प्लेट नहीं है तो दाल भात आ नहीं सकता। शरीर का वजूद नहीं है लेकिन शरीर नहीं है तो आत्मा कहाँ रहेगी। इस कॉन्शियसनेस की इस बूंद को साथ ढोते हैं हम पांच तत्व से। ये पांच तत्व हैं भूमि, वायु, अग्नि, जल और गगन। गगन का अनंत विस्तार है, ये छोटी जगह नहीं है। दिस मीन्स एवरीथिंग, स्पेस, जिसके अंदर सब कुछ होता है। ये है वायु, हवा, जिसके कारण जीवन है। अगर हवा नहीं है तो मौत है। पर वायु बन नहीं सकती जब तक जल ना हो, और जल को वायु बनाने के लिए अग्नि चाहिए। और ये सबका बेस है प्लेट, जो है भूमि। ये वो हमारी प्लेट है। तो ये हमारा शरीर है, भूमि तत्व। ये हमारा मुन्ना ब्रेन है, वो ब्रेन जिसके साथ प्री लोडेड हम धरती पर आते हैं। इस ब्रेन को 12% हिस्सा दिया गया है। 12% भाग्य फिक्स होता है जिसको ज्योतिषी पढ़ता है, और इसको दुनिया में कोई बदल नहीं सकता, ज्योतिषी भी नहीं। हम जो बदलाव लाते हैं वो लाते हैं टिंकू ब्रेन में, जो जल तत्व है, जो 72% होता है। इसके द्वारा इसका इंपैक्ट कम हो सकता है। यह असंभव है कि भाग्य बदले। यदि भाग्य बदलता तो कोई पंडित पुरोहित ही ज्योतिषी ही प्रधानमंत्री बन जाता, वही बहुत रिच होता, अक्सर उन्हीं के बेटे नहीं होते। और लोग आते हैं, पंडित जी हमारे बेटा कैसे होगा, बोले तुम्हारे है नहीं पंडित, लेकिन हम तुमसे पैदा जरूर करवा सकते। ये नियम चलता है, ये अंधविश्वास चलता, गलत थॉट। इस ब्रेन के पास सीधा सा एक सिस्टम है, जितना भी हमारा पास्ट रिकॉर्ड है, जन्मों जन्मों का रिकॉर्ड। जैसे आप देखेंगे, अभी आप जन्म लेते हैं और आप विशेष तौर पर डरते हैं साइकिल चलाने से, पहली बार भी नहीं चलाई है जीवन में, लेकिन ना एक दो बार के बाद चली जाती है। स्विमिंग करने से लगता है जान निकल जाएंगी, अरे पानी में कौन जाए, लेकिन आपके बॉडी में एनकोडेड है कई जन्मों से कि आप कभी जलचर रहे हैं या पानी के साथ आपका विशेष प्रेम रहा है। अचानक पानी में जाके एक दिन आप स्विमर बन जाएंगे। आपकी बॉडी में यानी पहले से सब कुछ गुथा हुआ है, सारी शिक्षा, सारी नॉलेज। कई बातें मैं बता रहा हूं, आप फट कहेंगे हाँ जम गई, जमती तो है, बात समझ आती है, कैसे समझ आएगी, वो पहले थी, अभी सुन के खुल गई। यानी हमारे ब्रेन में सब कुछ,
अब हमारे जिंदगी का हिसाब होता है, जिंदगी कहीं ठहर जाती है, हमें यार इसका रास्ता नहीं मिलता, यार इस रास्ते को कैसे निकाला जाए, कुछ तो करा जाए, इस करा जाए को कैसे किया जाए, ये हम करते हैं कोशिश। आज की हमारी क्लास कोशिश पर ही है कि ये कोशिश क्या है। तो कोशिश है जो है फिक्स पास रिकॉर्ड उसको परिवर्तन लाने की। हम भाई से दुखी हैं, बीवी से, प्रॉपर्टी से, क्यों दुखी हैं? दुखी कौन है? ये होता है दुखी, ये वो ब्रेन है जो बाद में बना, आई ब्रेन, मैं, ये है मैं, जल, मैं हूं ये। ये 72% होता है, धरती पर भी 72% पानी है, हमारे शरीर में भी 72% पानी है लिक्विड तत्व। ये प्रैक्टिकली है, हवा 6% होती है, अग्नि तत्व 4% होता है, बैलेंस अनंत आकाश तक जाता है, इसका कोई अंत नहीं है। वैसे गिनती का 6% रहेगा लेकिन अनंत है, ब्रह्मांड तक जाता है, दिस इज अ बिग थिंग। अब ये जल तत्व जो है ये मैं है, मैं ब्रेन, आई ब्रेन, इसे आई ब्रेन कहते हैं। शरीर में वायु 6% होती है और थोड़ा सा स्पेस तत्व भी होता है शरीर में, वैक्यूम कह सकते हैं इसको, जहां एग्जिस्ट करता है सब कुछ। ये ब्रेन को स्टेबल और सेटल करने के लिए हम सारे जीवन कोशिश करते रहते हैं, यानी अपने जीवन को, जिंदगी को स्टेबल करने की कोशिश करते रहते हैं। ब्रेन को उत्तर नहीं मिलते, समस्या उस चिड़िया का नाम है जिसका आंसर नहीं पता, जिसका आंसर पता वो समस्या है ही नहीं। जैसे दिमाग को आंसर आ गया, यार हाँ समझ गया कैसे करना है, समस्या खत्म। ये आंसर कैसे आएगा, आंसर नहीं मिलता, इसको आंसर को पाने की जीतोड़ कोशिश हो रही है। 10 साल से परेशान है नौकरी में, 20 साल से गृहस्थ में परेशान है, 10 साल से लड़ रहे हैं पिता से मुझे संपत्ति में कुछ हिस्सा दे दे, बेटे की बेटी की दवाइयों के लिए परेशान है, ठीक नहीं हो रहे, लगातार स्टक है, कहीं रुका हुआ है ब्रेन, कहीं अटक गया है, उससे निकलने का कार्यक्रम करना है। एक बिजनेस किया, 2 किया 3 किया 4 किया, दे फ्लॉप, कैसे सफल होगा वो हमें मूव करना जानना है। हम इस ब्रेन से इस ब्रेन पर मूव कैसे करेंगे और इस ब्रेन से इस ब्रेन की मदद कैसे लेंगे। मैं अलग अलग ब्रेन शब्द इसलिए कह रहा हूँ आप ध्यान देंगे, कई बार आप कहीं जा रहे हैं, अचानक आपको गोलगप्पे वाला दिखता है, आप देखते हैं गोलगप्पे, अचानक से यहाँ आपका जो चक्र है अग्नि चक्र, वो बोलता है गोलगप्पे खिला दो यार, आपका कोई लेना देना। वैसे अभी आ गया, मैं कह रहा हूँ आज प्रोग्राम ही गोलगप्पे रखने चाहिए थे, ये गलतियां मुझसे होती क्यों, आखिर मैं इतना मासूम क्यों हूँ, मेरी मासूमियत का कोई इलाज बताओ। अच्छा अगले हफ्ते खत्म हो रहा है यार, टेंडर पास कर देते हैं गोलगप्पे नेक्स्ट वीक। अब ये नाभि फटाफट बोलती है गोलगप्पे खिला दो, गोलगप्पे खिला दो। हम गाड़ी चला रहे हैं, दूसरा ब्रेन कहता है यार मामा जी के पास पहुंचना, कैसे करूं यार, प्रॉपर्टी के पेपर साइन कराने, नहीं नहीं गोलगप्पे खिला दे, गोलगप्पे खिला दे। तीसरा कहता है दफा करो पागल, क्या कर रहा है, रेड लाइट ऑन ऑफ हो गई है, फटाफट का पीछे वाला हॉर्न बजा रहा है। अलग अलग आदेश मिलते हैं, डिपेंड करता है आप कौन सा वाला चूज कर ले। बहुत सारे ब्रेन, बहुत सारे विचार इकट्ठा चलते हैं, यानी ब्रेन में कई सारे ब्रेन है, टोटल 64 डायमेंशन है, हम 5 की बात करते हैं, इससे ऊपर जाना बेकार है। 3 डायमेंशनल अर्थ है, 4th डायमेंशन डेथ की है, 5वीं डायमेंशन और आगे जाती है, तो ये काफी है हमारे लिए, इसके आगे सर खपाई बहुत नहीं, ये समझ लिया बहुत है। मुझसे किसी ने पूछा रिसेंटली कि जी 5th डायमेंशन के बारे में बताएं, मैंने कहा करना क्या उसके बारे में जान, भाई 3 डायमेंशन तो समझ लो, मरने के बाद 4थी समझ आई जाएगी, काहे को आगे के फालतू के ज्ञान में जाना, जितनी बीवी समझ आ गई बहुत है, जितना हस्बैंड पल्ले पड़ गया बतेरा। तो ये ब्रेन जब काम करते हैं हमारे एक साथ ढेर सारे, तो हमारे को समझ नहीं आता किसका सही डिसीजन लेके चले, और उस करेक्शन के चक्कर में हम एक शब्द पर चले जाते हैं, कोशिश करनी है या सुधारना है। ये क्या है शब्द, ये बहुत बड़ी कमांड है, इसको समझने के लिए हमें एक चीज और जाननी पड़ेगी कि हमारी बॉडी में जो इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है वो छोटे छोटे सेल्स में स्टोर होती है। जैसे कि आप मदरबोर्ड देखेंगे कंप्यूटर का, या आपने समझा होगा मोबाइल फोन में 32 GB 64 GB 128 GB, ये हमारी कॉन्शियसनेस के नोट्स होते हैं, इसके ऊपर क्लास हो चुकी है। हमारी बॉडी में भी 2 के मल्टीपल में ही जीबी चला हुआ है, और वही बन पाई है संसार में भी। बैठो नहीं तो तुम्हें पलकों पे बिठा लेंगे। तो जो हम ये लेके चलते हैं कि 32 GB 64 GB 128, ये स्टोरेज स्पेस है, हमारी स्टोरेज स्पेस अनंत है, आप कल्पना ही नहीं कर सकते, अनंत है, करोड़ों अरबों खरबों जीबी हमारे अंदर स्पेस है जो हमारे मेमोरी के अंदर आ पाती है। अभी रिसेंटली डीएनए के ऊपर एक फिल्म, ये हो चुका है काम, एक्चुअली हो चुका है,
एक बैक्टीरिया के डीएनए के ऊपर एक फिल्म डाउनलोड कर दी गई है और उसकी 72 बिलियन कॉपीज भी बन गई है बैक्टीरिया में ही, अपने आप बैक्टीरिया मल्टीप्लाई हो गया और उस बैक्टीरिया को वो वापस डीकोड करके वो फिल्म चलाई जा सकती है। कितना अजीबोगरीब लग रहा है सुनने में, पर ये हो चुका है वाली खोज। तो आने वाले समय में ऐसा किया जा सकता है कि कुछ इंफॉर्मेशन से भरा हुआ बैक्टीरिया हमें खिला दिया जाए, वो हमारे डीएनए में जाए और हम अचानक रेडीमेड कहें हाँ ये हमें पता है। शिक्षा आ गई, जैसे कि घुट्टी मिल गई है, मैट्रिक्स में हेलीकॉप्टर चलाना सीख जाता है। यस, मैट्रिक्स मूवी के अंदर वो हेलीकॉप्टर सीख जाता है, जो प्रोग्राम रन कर दिया वो हमारे अंदर आ गया। अभी डीएनए से छेड़छाड़, डीएनए को सुधारने की क्षमता की मशीनें और बुद्धि नहीं बनी है, वी आर इवॉल्विंग, सीख जाएंगे, ये नॉर्मल सी बात है। ज्ञान ऐसे यूं हाथ छू के मस्तक पे रख के देते थे ना पहले गुरु लोग, महाराज लोग, बड़ा छोटी सी बात है, वो होता है, आज भी होता है। ये जो डीएनए हमारा स्टोरेज लेके चलता है, ये डीएनए है बॉडी का। आप मान के चलेंगे बॉडी के ब्रेन को डीएनए का ब्रेन कहते हैं, विच वर्क्स ऑन डीएनए, और ये डीएनए अपने आप मूव करता है, जैसे कोई मशीन मूव करती है ना अंदर, सर्किट हिलते हैं डुलते हैं, ऐसे डीएनए मूव करता है, हमारी बॉडी एक्सपैंड और रिलैक्स होती है। डीएनए की मोशन के ऊपर पहले क्लास हो चुकी है, कॉन्शियसनेस एंड डीएनए, ये हो चुके हैं। इस डीएनए के अंदर विशेष आदत होती है कि बॉडी का अपना ब्रेन का सिस्टम है। आप इसको यूं समझें कि बॉडी ने अगर सोना होता है हमारे पूछे बिना सो जाती है, बॉडी को अगर खांसना है हमारे पूछे बिना खांसेगी, बॉडी अपने आप को रिपेयर करती रहती है। हम बहुत खराब चीज खा लेते हैं जो शरीर के लिए अच्छी नहीं है, बॉडी उसको भी धो देती है। जब हम ही बॉडी को तंग करने लगते हैं तो बॉडी का सिंक टूट जाता है और फिर रोती है कि यार क्या है बॉस, क्या करते हो, फिर वो दुखी होती है, उसका एक्सप्रेशन हमारे ही थ्रू है। बॉडी बाद में बनी है, इससे ही ये बना है, ये बॉडी का ब्रेन है, ये 72% है, ये अनकॉन्शियसली लाखों करोड़ों फंक्शन कर रहा है, 25 मिलियन फंक्शन प्रति सेकंड करता है, हमारे रिपेयर कर रहा है सेल्स को, हमें सुलाने के लिए, हमें जगाने के लिए, हमारा काम करने के लिए, याददाश्त के लिए, सब कुछ कर रहा है। रात को सोते हुए आप तकिए को बोलते हैं, अपनी बॉडी को बोलते हैं मुझे सुबह 7 बजे उठा देना, कौन उठाता है? बॉडी का ब्रेन सक्रिय है, बॉडी चाहती है करें। अब आता है लफड़ा मेरे ब्रेन का, जो मैं का ब्रेन है, इसका और इसका जब सिंक नहीं होता, तालमेल नहीं होता, तो ऑटो पायलट टूट जाता है। जिस व्यक्ति ने ये सिंकिंग ये सिंकिंग सीख ली, उसका जीवन ना और अब ऑटोमेटिक चलता है अपने आप। कई लोग ऐसे हैं यार अपने आप भी ठीक ही हो रहा है, जो हो रहा है ठीक ही हो रहा है, कुछ गड़बड़ी नहीं हुई, उन्होंने कुछ नहीं किया है, कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली इन दोनों को सिंक कर दिया और ना हो रहा है, कर नहीं रहे, अमीर बन रहे हैं, हीलिंग हो रही है, सुख आया ही रहा है, दुख आते ही रास्ता ही मिल जाता है, एक्सीडेंट ही वहीं होता है जब हॉस्पिटल हो, पंचर ही पंचर वाले के सामने होती है गाड़ी, उनके रास्ते साथ चलते हैं। यहां कौन साथ चलता है? यहां उसकी कृपा होती है, वायु तत्व, ये गुरु ब्रेन है, गुरु, ये वो ईश्वर का स्पेशल हिस्सा है जो हमें स्पेसिफिकली अपने आप करके देता है। जब तक यहां फंसे हैं, कोशिशों में फंसे हैं, जब यहां पहुंच गए, कोशिश भी करने की जरूरत नहीं। जब कोई कार्य नहीं हो रहा तो हम कोशिश खेलते हैं, अब वो होता नहीं तो खुंदक आती है, गुस्सा करते हैं, लड़ते हैं, परेशानी पैदा करते हैं, अपने आसपास के सेल्स में क्लेश क्रोध परेशानी का एनवायरमेंट बनाते हैं और हमारी बॉडी की बैंड बन जाती है। आप देखेंगे हम ही हमारी बॉडी का नाश कर रहे हैं, क्योंकि हमें कुछ चाहिए जो हमारी इच्छा बन गई, और वो इच्छा किससे है? षड विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इन 6 में से कोई चीज पूरी नहीं हो रही हमारे हिसाब से। एक होती है भगवान की इच्छा, एक होती है मेरी इच्छा। मैंने कुछ चाहा लेकिन भगवान ने नहीं चाहा और पिटाई हो गई, तो लोग अक्सर कहते हैं ठीक है यार भगवान की मर्जी। अच्छा भगवान की मर्जी है, वो तुम्हें सांस दे रहा है, तुम्हारा जीवन चला रहा है, काम हो रहा है, वो नजर नहीं आते, अपने आप जो जो होता चला जा रहा है, बच्चे की नौकरी लग गई, काम हो गया, विवाह के लिए लड़का मिल गया, लड़की मिल गई, बहुत कुछ जीवन में नोट अरेंज हो ही गए, जैसे तैसे सब चल रहा है, वो इग्नोर करते हैं क्योंकि मैं को कुछ चाहिए, लालच, क्योंकि जो मिला असंतुष्टि, और अब और क्यों चाहिए। अजीब सी नेचर होती है मनुष्य की। मेरे पास बहुत लोग आते हैं अजी अगले 6 महीने कैसे, मैं कहता हूँ ठीक है,
कहते साल वो भी ठीक है, फिर 3 साल, मैं कहता हूँ अगले 7 साल तक ठीक है सब। कहते यानी 7 साल बाद प्रॉब्लम है, 7 साल बाद के लिए क्या करना होगा जी। लोग चाहते हैं क्रोसिन की गोली जेब में लेकर चले और खाते चबाते चले, कोई बुखार हो गई, अरे बुखार के बाद ही क्रोसिन आई। आप कभी हल नहीं ढूंढ सकते पहले से, इसलिए समस्या को आने दो, सावन को आने दो। अब ब्रेन जो बॉडी का है वो डीएनए अपने आप शिक्षा ले रहा है। डीएनए शिक्षा कैसे लेता है वो बताता हूं मैं। अब डीएनए क्या है, लर्निंग सेल्स है, लर्निंग एरिया है बॉडी का। आप अपने जीवन में जब एक कर्म करते हैं तो आप देखेंगे बॉडी को कमांड कैसे मिलती है। आपने बॉडी को जब मर्जी जहां मर्जी ले जाना होता है बॉडी चली जाती है, बॉडी को आपने जो खिलाना होता है बॉडी खा लेती है। यहाँ विशेष ध्यान दीजिएगा, अगर आप खाना रेगुलर नहीं खा रहे हैं या डाइटिंग कर रहे हैं या अपनी फिगर निकालने के चक्कर में हैं, तो खाना ना खाने से बॉडी दिमाग को डिप्रेशन दे देती है। इसलिए भोजन नहीं छोड़िए कभी भी, कुछ भी क्यों ना हो जाए भोजन नहीं छोड़िए। तो जब आप अपने जीवन में कोई कर्म कर रहे हैं और बॉडी कर रही है तो आप बॉडी को विशेष कमांड्स दे रहे हैं और बॉडी डीएनए में लिखती चली जा रही है। हम अक्सर क्या कमांड देते हैं, मंदिर चले गए भाई बहुत बढ़िया यार, बड़ा अच्छा लग रहा, बड़ा सुकून लग, लो कुछ नहीं रहा है, दुनिया को सुनाने के लिए लग रहा है वो, कि अब कल जा करके बताएंगे भाई साहब तो हर महीने जाते हैं वैष्णो देवी, अब माता ने कहा तुम्हारे लिए स्पेशल पर्ची खुलवा रखी है, तुम खुद जा रहे हो, माता को कोई लेना देना नहीं है, तुम जा जाके सिर्फ बखान करते हो। ये मेडिटेशन की बात है, लोग मेडिटेशन करते हैं, यहाँ इस पॉइंट को ले लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, कि ये वाला जो ब्रेन है ना हमारा रेडीमेड, इसके पास काम है इमेजिनेशन का और मेमोरी, सारी मेमोरी डीएनए के यहाँ स्टोर होती है, ये बहुत है 12%। आपको अपने जीवन में जो भी इमेजिनेशन चल रही है विचार दिमाग में, इसका मतलब आप मुन्ना से मानो। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो हिप्नोसिस कराते हैं अक्सर कई गुरु लोग, कि आप ध्यान करें, आपका ध्यान ऊपर की ओर उठ रहा है, अब आप फलाने चक्र पे पहुंच गए, आप दीर्घ श्वास ले रहे हैं, कृष्ण जी नजर आ रहे हैं, जो भी आ रहा है जिसको जो पसंद कराना है फलाना हो रहा है, ये सब ये ब्रेन चल रहा है, ये बुद्धू बनाया जा रहा है, आपके पास्ट कर्मा ऑन हो रहे हैं और आप बेबस हो जाएंगे, बेबस। हम अपने भाग्य को भोगने के लिए बेबस है, हमारी एक टका औकात नहीं हम कुछ कर सकते। आप बदल के दिखाओ अपना जो फिक्स भाग्य है, थोड़ी थोड़ी मिली जुली चीज बदलती है, उसी में कमाल हो जाता है। इसका सारा काम इमेजिनेशन, जो जितने लोग मेडिटेशन के नाम पे इमेजिनेशन करते हैं वो बेवकूफी कर रहे हैं, उनका वो काम कभी नहीं होगा। इस ब्रेन को जो कमांड दिया जाता है कैसे देते हैं बता दो, वो कमांड कभी पूरा नहीं होता, और इस ब्रेन को भी जो कमांड मिलता है वो भी कभी नहीं होता। 84% हिस्सा हमारा जीवन का ऐसा फिक्स होता है ऑटो पायलट, जिसको कमांड नहीं दी जा सकती। यहाँ कोशिश शब्द काम आता है, जो हमारी लाइफ में बहुत से काम होने ही नहीं देता। तो इस ब्रेन के पास इमेजिनेशन, ये आई ब्रेन, कमर सीधी करके बैठ जाए, लंबी लंबी सांस लें, फलाना करें इतने मिनट में, ये जिद जो है ये बॉडी की है। तो जो लोग ये मेडिटेशन करते हैं वो भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, एक्चुअली कुछ नहीं होगा, वो बैठ के यहां चले जाएंगे, यार ये है दुनिया चमको, वो दुनिया को सिर्फ सुनाएंगे और ये ईगो डेवलप होगी, सिर्फ ईगो डेवलप होगी और कुछ नहीं होगा। आप ये करते हैं, आप वो करते हैं, इतना ध्यान देते हैं, 1 घंटा कमर सीधी करते हैं, ऑल ईगो। अगर आपने सत्य में शरीर को हील करना है तो आपने क्या करना है, आपने कुछ नहीं करना, कुछ समय कुछ नहीं करके दिखाओ, ऐसी मेडिटेशन पड़ गए कुछ नहीं किया, दैट इज द एक्चुअल मेडिटेशन, यू आर नॉट ड्रीमिंग, दैट इज कॉल्ड स्टिलनेस, माइंडफुलनेस, अवेयरनेस, दिस इज द नेचर ऑफ द स्पिरिट, दिस इज स्पिरिचुअलिटी, दिस इज एनलाइटनमेंट, बहुत बड़े बड़े वर्ड्स हैं ये, इस पर छोटे छोटे तौर पर पहले कई बार बात हुई है। तो जब आप बॉडी को कमांड दे रहे हैं, बॉडी उस कमांड को रिकॉर्ड कर लेती है। आपने दान किया, दान करते हुए आपने फटाफट ये कहा, बड़ा पुण्य किया, मंदिर गए, बाबा जी का ध्यान किया, जो भी किया उसको करके आपको बड़ा अच्छा लगा। अब आप ना बाहर निकले, बाहर निकल के आपकी बॉडी सुन रही है और आप कह रहे हैं बड़ा पुण्य किया यार, बड़ा अच्छा लग रहा है, ये था पुण्य यार, है जीवन में मैंने इतनों को खाना खिला दिया, मैंने वो कर दिया। बॉडी ने फटाफट उसी क्षण, देर नहीं लगाएगी, ये रिकॉर्ड कर लिया कि इस व्यक्ति ने जो 2 काम किए वो थे पुण्य, और जो बाकी 98 है ना वो पुण्य नहीं। अब आप 98 के लिए सोच रहे हैं यार ये काम नहीं करना चाहिए यार, ये ना गंदी बात है, वो गंदी बात है, वो गंदी। बॉडी ने 98 में से 28 ना पुण्य ना पाप, बाकी उसने 70 लिख दिया, भाई ये पाप है।
ये बॉडी रिकॉर्ड कर लेती है। जैसे कि आप अक्सर देखेंगे, आप घर में जाते हैं, आपके चाची जी बात करती हैं आपसे बड़े प्रेम से, मामी जी बात करती हैं बड़े प्रेम से, आप कहते हैं हाँ जी बहुत अच्छा लगा, अचानक से मामा जी की आवाज आती है, हाँ भाई क्या हो रहा है, आप कहते हो यार बटन ऑफ ऑन हो गया मेरा इमीजिएट, मन कर रहा है साथी को गोली मार। बॉडी उसी क्षण उस आवाज को पहचानती है, वो कहती है ओ माय गॉड। बच्चे की बॉडी क्या पहचानती है, आंखों से उसने देखा बेटा खा ले टिंडे की सब्जी बनाई है, उसको अचानक पिज्जा दिखता है फोटो में दिखता है, सिर्फ अभी खाने के लिए नहीं है, तो फोटो में देखता है बाछे खिल जाती है, वो कहता है ओ माय गॉड पिज्जा 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 तोहफा तोहफा। उसके पटन ही दूसरे ऑन होते हैं, बॉडी का ब्रेन जानता है। आपको डॉक्टर ने बोला भैया गड़बड़ कर दिया बॉडी, करेले खाओ टिंडे खाओ घिया खाओ, पर बॉडी कहती है भाई साहब थोड़ा सा पिज्जा मिलेगा खाने को बड़ा अच्छा लगता है, पास्ता के अलावा यार। अब आप जिद करके खेलते हो समझाते हो तो बात अलग, बॉडी का ब्रेन अलग है। आप लगातार बॉडी के ब्रेन को कमांड्स दे रहे हो, अगले जन्म में फिर जाएगा, तभी तो रेडीमेड आप पैदा हुए, हो सकता है जैन परिवार में, लेकिन आपको नॉनवेज का बड़ा शौक है, पता नहीं क्यों, मालूम नहीं क्यों, हो सकता है आप ऐसे, मैं बदनाम करने के लिए नहीं बोल रहा, आई लव पंजाबी, पंजाबी परिवार में, लेकिन वहां पर आप ऐसे कहते नहीं शराब नहीं पीऊंगा, धिक्कार है आपको पंजाबी होने में। आप कैसे हो गए पैदा, आपके डीएनए में वो शराब नहीं है, आप किसी कारणवश कुछ लेन देन के हेतु उस परिवार में आ गए, उदाहरण की बात है, वो बॉडी का डीएनए, आप अपनी बॉडी में पाप पुण्य कंस्ट्रक्ट कर रहे हो लगातार पूरे जन्म, और आपने बचपन से पता लगा ऐसे ऐसे सोच के बैठे हुए हैं यार बूढ़े हो जाएंगे, यार बूढ़े होंगे काम नहीं होगा। अक्सर लोग मेरे पास आके कहते हैं 40-45 के आसपास मिड लाइफ क्राइसिस का क्लेश होता है सारे बंदों को, वो अक्सर आएंगे जी मैं ना बड़ा देखो काम कर रहा हूँ, अब बड़ी ना लाइबिलिटीज हो गई लाइफ में, अब मेरे बच्चे हैं स्कूलिंग यू नो, और मैं कहता हूँ मामा मुझे पता है सारा, आगे बोल आगे क्या, मैं तो आंसर दे दूंगा सीधा, पर तू क्वेश्चन बोल के तसल्ली कर ले। फिर कहता है कि अब कैसे चलेगा जी, देखो अब 40+ हो गया है, अब ना बॉडी भी वैसे चलती नहीं है, बॉडी ने उसी सेकंड नोट कर लिया भैया अब ऐसो नो चलनो है, ये बीमार पड़नो है, अब मरनो है। हमारे यहाँ ध्यान का कल्चर है, ध्यान मेडिटेशन जो ध्यान अवस्था, ध्यान क्या है नाउ अभी अभी ध्यान है, ध्यान इसका शब्द बिगड़ा ध्यान और बिगड़ा जेन, ये चला गया जापान, वहां वो सभ्यता क्यों सुरक्षित रही, क्योंकि जापान पर अमेरिका से पहले किसी ने कोई आक्रमण ही नहीं किया, तो वो पुराने पुरातन काल और न्यूनेस दोनों को मिक्स करके बैठ गए। वहां अभी भी ये जाना जाता है कि ध्यान जेन सभ्यता है, जेन का अर्थ है नथिंग, बुद्ध के द्वारा शिक्षाएं हैं इसमें, और बोधि धर्म कई लंबी कहानियां है, बोधि धर्म गए थे उन्होंने स्थापित किया जेन, उस जेन कल्चर के थ्रू क्या करते हैं वो बॉडी के डीएनए को वॉश करते हैं, एक्चुअली वो क्या करते हैं कुछ नहीं, बॉडी को नई कमांड ही नहीं देनी। लोग कहते हैं हे भगवान मुझे जन्म जन्म के कर्जे जन्म जन्म के झंझट, भगवान मारी देश धरती पे मैं जीना नहीं चाहता, मैं दुखी हूँ, बिजनेस कर्जा बच्चों की शादी ब्याह बीवी का दूसरे से लफड़ा, मुझे शर्मा पसंद, मैं क्या करूं। अब वो बॉडी में इतने सारे कमांड्स, अगला जन्म होकर रहेगा, आप किस लिए पैदा हो रहे हैं, अतृप्त इच्छा के लिए। अगर आज आपका जीवन तृप्त हो गया तो कोई मजाक नहीं, आप कहेंगे मौत भी आ जाए परवाह नहीं। आप रोज मौत से डरते क्यों हैं, क्योंकि आप कहते हैं यार कल सुबह उठूं ये पेंडिंग काम करना है, यार ये लालच बच गया अभी तो ये तो किया ही नहीं, अभी वो तो करना ही रह गया, आपका मरने का मन नहीं होता। यानी मरने के बाद जो शब्द कहा शरीर छोड़ा, यानी मरने के बाद भी अगला जन्म होगा तो सिर्फ इसलिए होगा, सिर्फ इसलिए कि आपको अब कुछ और करना ड्यू है। इच्छाएं ले लेके हम रोज सुबह जब उठते हैं जीवन बड़ा पजल्ड होता है, और हम एक विशेष अवस्था के बाद जब स्टेबल हो जाते हैं कमांड्स देना शुरू कर देते हैं या आज्ञा देनी शुरू कर देते हैं, अब बुढ़े हो रहे अब बीमार होना है, जैसे घर में अक्सर होता है लड़ाई होती है पति पत्नी के बीच मतभेद, क्योंकि जो मिल गया वो काफी नहीं, शुरू शुरू में तो बस प्यार होता है, शरीर की इच्छा मिल गई निपट गए बच्चे हो गए अब क्या करें, तो ज्ञान तो है नहीं भाई काफी है जो है बहुत है कृपा है, लेकिन नहीं अब ये नहीं है वो नहीं, अब लड़ते हैं, अब लड़ लड़ के शब्द निकलता है, फिर वो लेडी कहती है बकवास ही करता है आदमी क्या, इससे तो मुंह लगाना ही बेकार है। बॉडी ने लिख लिया कि भैया जब भी तेरे से बात होगी ये बकवास करेगा, ये हमने अपने आप स्थापित किया, अभी अपने कर्मचारी के लिए हम सोचते हैं पागल गधा कमीना, वो हमारे साथ वही बन जाता है, हमने अभी अभी आदेश दिया है, पति क्या बोलता है पत्नी के लिए बिल्कुल ही
दिमाग ही नहीं है इसका, मूर्ख है, अब वो उसके लिए मूर्ख ही रहेगी, किसी और के लिए समझदार होगी, क्योंकि एक और पड़ोसी होगा या कोई जानकार या रिश्तेदार जो कहता होगा आंटी आप बहुत अच्छा समझाते हो, उसके लिए वो समझाने का बटन डीएनए में ऑन है। और दूसरा कहता है बेवकूफ, उसने बेवकूफ का बटन ऑन किया अभी अभी। आप स्वयं बदनाम कर रहे हैं अपनी जिंदगी को। आपको अपने पति से प्रेम चाहिए, पत्नी से प्रेम चाहिए, ऐसे तो सबसे डिफिकल्ट काम है, एग्जाम्पल शालीनता देखते हुए कक्षा का ध्यान देते हुए बाहर चाहिए प्यार में, बाहर चाहिए तुम्हारा प्यार चाहिए मुझे जीने के लिए, पत्नी और पति का प्रेम चाहिए हमें मरने के लिए। तो अगर मान लेते प्रेम चाहिए, तो आज से ये कमांड्स डीएनए में नहीं डाल दीजिए, कोई बात है तो बेवकूफ समझ नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से इसे समझ नहीं है ना, जा माफ किया, उसको धोना शुरू करो, वॉश इट, वॉश करो। आप हर समय जब बोलते हैं बेटा ये मत खा बीमार पड़ेगा, बच्चे की बॉडी में वो धीरे धीरे रिकॉर्ड होता है और बच्चा रिकॉग्नाइज कर लेता है भैया ये खाऊंगा बीमार पड़ूंगा, बच्चे के ब्रेन को नहीं पता, बॉडी रीड कर लेती है। ऐसे हमारी लाइफ में एलर्जीज ऑन होती है, जितनी एलर्जी ऑन होती है वो सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि हमने अनकॉन्शियसली बहुत सारी कमांड्स दी और हमें पता ही नहीं हम ये कर रहे हैं। ऐसा क्यों होता है, ये हमारा स्ट्रक्चर। हाँ जी, एवरीथिंग। आप यूं लगा लीजिए, आपने बचपन में किसी से डांट खाई, वैसे डिटेल बात अभी करूंगा कमांड्स बताने पे, बचपन से किसी से डांट खाई और बचपन में आपका नाम पिंकी था, अब पिंकी को पापा ने डांटा था बड़ा बुरी तरह से, आप ना बैठ के सोच रहे हैं मैं 6 साल की थी और पापा ने मुझे डांटा था, शायद पीटा भी था। अगर उस समय उस क्षण आपसे पूछ लिया जाए कि क्या हो गया भाई, क्या सोच रहे हो, बोले यार पिंकी बड़ा पिटी है पापा से, उस समय पिंकी ऑन हुई है आपकी। आप ऐसा नहीं कर रहे हैं कि आपने अभी याददाश्त ली है, ध्यान दिया है, वो आपके अंदर है, वो आपका एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस को याद नहीं करना पड़ता। साइकिल चलाना सीख लिया, एक्सपीरियंस हो गया, आपने जान लिया कि ये पड़ोसी जो लोग हैं हमारे ये कूड़ा फेंकते हैं। अब आपको एक्सपीरियंस जिस दिन इनके साथ हो गया ना, आप कहेंगे इग्नोर इट यार, नेचर, इसमें तो कोई लड़ाई रही नहीं है, पता है, बोल दिया टोक दिया असर नहीं होता, अब हम इससे छोड़ देते हैं। किसी 3 घर छोड़ के कुत्ता भौंकता है, आप शुरू में बड़ा इरिटेट होते हैं, धीरे धीरे अभ्यस्त हो जाती है बॉडी। आप काम कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, कुत्ता भौंक रहा है अपनी जगह, कोई फर्क नहीं, थोड़े दिनों में अभ्यास हो जाता है, बॉडी रिकॉर्ड कर लेती है ना, उसी कुत्ते के भौंकने पर आप गुस्सा करते थे, अब आप ऐसे हो गए, कोई फर्क ही नहीं। जो जितनी जल्दी ये इम्यूनिटी सीख लेता है उसके जीवन में उतनी जल्दी मेडिटेशन, शांति और प्रेम। और जब आप अपने में होते हैं तब आप सब कुछ खींचते हैं, पैसा, जायदाद, जमीन, नाम, यश, वहां तक पहुंचाने के लिए क्लास बढ़ेगी। ये हमारी बॉडी के 7 चक्र जो स्थापित है, सहस्रारा, फिर थर्ड आई, गले का एरिया थ्रोट चक्र, हृदय, फायर, पेट, नाभि, ये जल चक्र, और ये स्थिर मूलाधार। ये वो 2 चक्र हैं जिससे हम जो भी चाहते हैं वो नहीं होगा। आपको यहां से नहीं चाहना है, कैसे, मैं बता दूं। ये हमारी स्थिर बुद्धि है डर वाली, और ये हमारी फ्लोटिंग, ये है जल। ये पानी ना बड़ा मजेदार होता है, पानी चलता है, पानी चलता है, और पानी को आप सहारा दे दीजिए, पानी चलेगा। आप एक पानी का ग्लास लीजिए, उस पानी के ग्लास के साथ एक दूसरा पानी का ग्लास रखिए, और उन दोनों पानी के ग्लास में कागज या धागा भी चलेगा, इधर से उधर इकट्ठा डाल दीजिए। आप थोड़ी देर में देखेंगे इस पानी के ग्लास का पानी उस पर चढ़ा 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 और इसमें चला जाएगा और इसका इसमें, ये एक्चुअली होगा। इसका सबसे आसान एग्जाम्पल है, पेड़ की जड़ पे पानी डाल दो वो ऊपर चढ़ जाता है, वॉटर विल क्लाइम। पानी क्या है, आई ब्रेन टिंकू, ये क्या है, अहंकार, सिर चढ़ जाता ना अहंकार। अब यहां से हमने कोई चीज सोची, यहां पैदा हुई, यहां सोची, ये हमारा मुन्ना ब्रेन है, ये हमारा बेस है, भूमि है, ये जल इसके ऊपर है, जमीन के ऊपर होता है पानी, अंदर नहीं, ये इसके ऊपर है। हमने जो कमांड दी, जो विचार किया, सोचा, वो डीएनए में ऊपर चढ़ गया। ये हमारी क्या करता है, थर्ड आई का सत्यानाश, कॉमन सेंस गुरु ऑफ, कैसे करता है, आपको किसी चीज के लिए बोला जाए कोशिश करो कोशिश करो, आप कैसे करेंगे, ये खराब हो जाएगा, ये खराब करके अगर कोशिश करी तो काम नहीं होगा, क्योंकि अब कमांड बॉडी के अंदर चली गई, डीएनए ऑन हो गया, भैया जो करना ना है, रोना है, तकलीफ पानी है, काम नहीं होगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास ऊपर के 3 चक्र में थॉट्स आते हैं,
और यहाँ तीन चक्र में इमोशन बनती है। थॉट्स अपने आप आते हैं, कहाँ से आते हैं कोई पता ही नहीं, यूं ही बैठे बैठे नहीं विचार आते रहते कुछ भी खोपड़ी में, कभी कुछ सोच लिया कभी कुछ सोच लिया, आपको पता ही नहीं क्यों सोच रहे, अपने आप आते हैं। अब कौन सा थॉट है जो आया और उसने इमोशन बनाया, इमोशन बनती है ना पेट में, आपने देखा गुड़बुड़ हो जाती है कुछ अजीब सी, अचानक कोई भारी भरकम फोर्सफुल इमोशन होती है, पेट में हलचल हो जाती है यार, पेट में गुड़बुड़ हो रही है, दिल घबरा रहा है, होता है ना इमोशन, या नीचे तीन में बनती है। जब यह इमोशन बन जाती है उस चीज की, तो उसके बाद हार्ट चक्र, यहां से हमारा सी क्यूब की स्पीड से, लाइट के तीन गुना स्पीड से इस सिग्नल जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल, इस पे क्लास हो चुकी है पूरी डिटेल, कितने फ्रीक्वेंसी पे कौन सा चक्र चलता है। यहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल बाहर जाता है कॉस्मोस में, अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष में कहां जाता है, पानी की एक बूंद, पानी की दो बूंद, पानी की सौ बूंद सागर, कॉन्शियसनेस का एक शरीर, मैं कॉन्शियसनेस के दो शरीर, दो लोग, तीन लोग, चार लोग, महासागर में विलीन होते हैं मृत्यु के बाद, उस महासागर में वो वाइब्रेशन जाती है और जो हमें चाहिए वो हमें मिल जाता है। जो चाहिए मिलता है, हमें बुढ़ापा चाहिए बुढ़ापा मिल जाता है, हड्डियां टूट जाएंगी बुढ़ापे में हमें वो मिल जाता है। हम कहते हैं यार बुढ़े होते रहते हैं, एक कमांड, दूसरी कमांड हमने दे दी, बुढ़े हो रहे यार अब क्या यार, बच्चे बड़े पे बुढ़े हो रहे, बॉडी इमीजिएटली आपको रोने का ऑन कर देगी, बुढ़े तो रोते रहते हैं, आपको पता भी नहीं आपने कब बुढ़े रोते रहते हैं बोला था, इसलिए कहते हैं भैया जवान संभाल के, आप कब क्या बोल बैठे मालूम नहीं, हम अज्ञात कारणों से कष्ट पाते हैं, हमें पता ही नहीं यार कष्ट आया क्यों, कौन कौन सी कमांड से हमने क्या ऑन किया हमें पता ही नहीं है। अक्सर हम कहते हैं ना यार दुनिया बड़ी कमी है यार, बिजनेस करो यार, ये कपड़े का काम यार सब लुटेरे हैं, आपकी बॉडी ने रिकॉर्ड कर लिया कपड़े के काम वाले लुटेरे होते हैं, अब आपको जब भी कपड़ा खरीदना होगा आपकी बॉडी आपको लुटेरे के पास ले जाएगी, ये बहुत बड़ा रहस्य छुपा है शरीर में, इसे एनग्राम्स कहते हैं, ये मेमोरीज होती हैं हमारे शरीर में एनग्रेव्ड है, पहले इस पे भी क्लास हो चुकी है, जो पहले की जानेंगे तो जो समझ नहीं पा रहे मैं इसलिए शब्द बोल रहा हूँ कि पहले की क्लासेस की रेफरेंस लेनी पड़ेगी। जो बोलते हैं उसको कमांड समझा जाए, चाहे वो किसी भी मंशा से बोली जाए, कई बार हम बच्चों से मजाक में भी कोई बात कह देते हैं, यार दोस्तों से मजाक में भी कह देते हैं, कई बार कुछ बातें हम सीरियसली, एवरीथिंग विल वर्क, इन दो का यही फायदा है, यहाँ से जो सोचा ना वो काम होगा, जैसे इमोशन बनते हैं, कई बार मैं भी अभी कई बार मजाक करता यार तू मुझसे कराएगा मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, कई बार ऐसा कह देते हैं, कई बार नहीं ये कहता है अच्छा आप बूढ़े हो रहे हैं, अच्छा मैं तो बूढ़ा नहीं, अब मैं बताता हूँ इसमें बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है, इस बात पे बात हो जाएगी। यहाँ से तीन थॉट्स बने, तीन चक्र से थॉट बन गया, थॉट आया विचार आया पता नहीं क्यों आया, अब आके अपने आप यहाँ से इमोशन बन गई, इमोशन बनती है अपने आप बनती है, इमोशन प्लस थॉट इज फीलिंग। अब इन्होंने शब्द बोला यार हम तो बूढ़े हो गए यार, अब बूढ़े हो गए हैं और इन्होंने साधारण बोल दिया, बॉडी ने रिकॉर्ड कर लिया। अब मजे की बात है ये होता है मैं से ऑन और ये होता है डर से ऑन, डर लोभ लालच सब, अगर आप ये कहते हैं ना बूढ़े हो रहे हैं यार छोड़ दफा कर क्या हो जाएंगे, फिर ना अंदर से डर रहे हैं यार बूढ़े तो नहीं हो जाएंगे, यार बूढ़े हो जाएंगे, बॉडी यहां से रिकॉर्ड कर रही है डर ऑन हो गया है। आपने ये फीलिंग कैसे ली, डर के साथ ली ना, पकड़ में आई चीज, डर के साथ लिया आपने, डर ऑन हो गया है अब ये काम नहीं होगा, पर मजाक करते टाइम तो डर नहीं है, अगर बाद में फीलिंग आ जाती है, बाद में आती है अक्सर, जैसे आपने अचानक बोला मरी जाए इससे तो यार, ऐसे गुस्से में बोला मरी जाए, अचानक अंदर बॉडी की पुरानी मेमोरी कहेगी मरना गंदी बात क्या करना बहुत जल्दी बताओ, स्प्लिट सेकंड्स में चलता है ये, और आप कहते हैं यार मरना वरना सोचता रहता हूं मैं यार, उफ यहां चला जाएगा मरना कैंसिल हो जाएगा, ये काम होने ही नहीं देगा, नेगेटिव काम होने नहीं देगा, पॉजिटिव भी नहीं होने देगा, सारे दिन भर तो हम कहते रहते हैं मरी जाए इससे भी खून कर दूं उसका, ये काम क्यों नहीं होते, क्योंकि हम इसको करने से डरते भी हैं, इसलिए वो काम नहीं होगा। आप पॉजिटिव जो सोचोगे वो भी नहीं होगा अगर डर होने, तो इन दोनों ही हमारे शरीर को बचा रखा होता है, पर हम हर काम ही यहां से सोच बैठते हैं, हम दान करते हैं डर के, पूजा पाठ करते हैं डर के, भगवान से डरो भगवान से डरो भगवान देख रहे हैं, सब यही कहते हैं ना, भगवान से प्यार करो यार उससे भी डरो, अम्मा क्यों डरो, ऐसी की तैसी वो और मैं अलग नहीं है, उससे थोड़ी डरा जाएगा। अक्सर शिक्षा दी जाती है सास बहू की सेवा करना, बेटा सास बहू की सेवा करना किस लिए, अब वो डर के है या इसी कारण के बेवकूफ बन के चलना है लल्लू बन के चलना है, तो ये पिटा देगा जिंदगी भर रुला देगा, सेवा का फल नहीं लेने देगा, ये कॉम्प्लिकेटेड है मुझे मालूम है,
देर से समझ भी आ सकता है, अभी भी मैंने भी एक कमांड दे दिया, पर इससे फर्क नहीं पड़ता, आप जान लेंगे देर सवेर बॉडी प्रोसेस कर लेंगे। ये किस तरह चलता है? हाँ जी, ये जैसे कोई बोल रहा है सामने वाला, कुछ भी वर्ड बोल रहा है, और जो उसके साथ बैठ के सुन रहा है, ये उसके दिमाग को भी कमांड जाता है, वो भी ढाई मिनट के बाद तो मिरर न्यूरॉन ऑन हो जाते हैं। आप किसी से ढाई मिनट मोटी बात बात कर लो, थोड़ी देर में आप उसी की भाषा बोलने लगोगे। मैं आपसे बात करूं, मैं घूमने गया था जी दुबई, आप सोचो बड़ा यार घमंडी है, सुना रहा हूँ। अच्छा फिर मैंने वहां दो ढाई मिनट बाद बात शुरू कर दी, वहां जी छोले भटूरे खाए थे ऐसे लगे। अब छोले भटूरे आपको पता, छोले भटूरे आपके मन हो जाएंगे, आप भी कहोगे आपने उसके खाए छोले भटूरे, यहाँ लगाता वो रेडी उसके देखे भाई साहब दुकान से भी अच्छे, आप ऑन हो जाओगे, मेरा निरोन ऑन हो जाते हैं। हम अचानक सम्मोहित होते हैं, हमें पता का चलता है। बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए, वो ऑन कर देगा आपको। अगर आप बहुत स्ट्रांग है तो आप उसकी नेगेटिव ऑफ कर दोगे, ये आप पे डिपेंड करता है। क्योंकि बॉडी किस तरह काम करती है, यहाँ से इमोशन, यहाँ से थॉट बना, यहाँ से बना और यहाँ से, ये है मुंह। अक्सर कहता हूं मैं लोगों को और स्वयं भी लोगों ने देखा होगा, लोग बड़े बड़े बखान करते हैं, अब भाई साहब ये कर देंगे वो कर देंगे, मेरा वीजा आ गया मैं जा रहा हूं, और फिर कहते हैं यार जा रहा था गया नहीं, यार क्या हुआ, उसने क्या किया, मुंह से बोल दिया, एक चक्र ही थॉट आउट हो गया। ये तीनों चक्र से जो पावरफुल इमोशन बनके फीलिंग बननी थी और उसने वीजा लग के जाना था, वो हो नहीं पा रहा क्योंकि बोलना शुरू कर दिया, क्योंकि बोलना शुरू कर दिया, मुंह से बोलो मत, थॉट को पूरा बन जाने दो, इमोशन ऑटोमेटिक बनेगी। इमोशन ऑटोमेटिक बनके भी कई बार काम पूरा नहीं होता, क्योंकि यहां फंसे रह जाते हैं, काम यहां से होता है, यहां फंसे रह जाते हैं हम सारे समय डरते रहते हैं, मैं करते रहते हैं, मैं मेरा छोड़ना पड़ेगा भस्म, अग्नि अग्नि में डालो इसको, जैसे ये खत्म होगा ये यहां से यहां जाता है खट, और ये यहां से यहां बनता है खट, यहां जाके एक्यूमुलेट होता है E इक्वल टू MC स्क्वायर। इस लेवल के ऊपर ये क्लास की हुई हमने, इसके अंदर डिटेल दे इसकी। यहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल जाता है, ये इलेक्ट्रो है ये मैग्नेटिक है, ये इलेक्ट्रो ये मैग्नेटिक, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल, इस सिग्नल से ही प्रवाहित होता है सब। आप सोचें इसे टेलीपैथी के तौर पर कई लोगों ने महसूस किया होगा, अजी आपको ही फोन करने वाला था यार, मेरा दिमाग भी ये कह रहा था। तो कभी कभी तो ऑन होता है सबका। जिसने इस रहस्य को जान लिया वो व्यक्ति सामने बैठे व्यक्ति को बैठते ही बताना शुरू कर देता है, तेरी ये प्रॉब्लम है, तू ये कर रहा है, तेरे मन में ये है, ये तेरा उत्तर है। आपको ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल प्रॉपरली पावरफुल करना है, कब, जब आप इन दोनों से उठकर यहां आएंगे, इमोशन बनते ही उसको खराब कर दो। अब आप कहते हो अच्छा सुन के तो समझ आ गया, करें कैसे? तो इसके लिए शरीर की एक ब्रेथ टेक्निक है, छोटी सी, बहुत छोटी सी। आपको परेशानी है, थॉट आया माइंड में, एग्जांपल दे रहा हूँ, 7 बजने का टाइम हो रहा है, पत्नी इंतजार कर रही है, आने वाला यार पता नहीं किस मूड में आएगा, यार 7 बज रहे हैं यार, बस 5 मिनट बचे हैं यार। अब उसकी बॉडी ऑन हो गई कि लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, आएगा वो लड़ेगा या कुछ ड्रामा करेगा या कुछ हथियार अपनाएगा, ये एक तरीका होता है ऐसे शो कर देना कि हम बहुत दुखी हैं, हम बहुत दुखी हैं, हम इतने दुखी हैं कि अगर हमसे बात करें तो हम तुम्हें भी दुखी कर देंगे। इसलिए अक्सर हस्बैंड भी वाइफ को कहते हैं पहले बड़ी दुखी है यार, सारा दिन दुखी रहती है, इसके साथ बड़ा बुरा हुआ यार, छोड़ यार इसको छेड़ने, मैं नहीं दुख दूंगा उसे। तो कई वाइफ्स बड़ी चलाकी से इससे बच जाती हैं, हस्बैंड के साथ नया झंझट नहीं होता, ये ड्रामा कहते हैं, त्रिया चरित्र। तो ऐसे मान लेते हैं हस्बैंड आने वाला है, हंस लो घूमते हुए जो लोग हंस सकते हैं। गुरुजी उनका प्रश्न जो था उसमें था ना, अभी आ रहा है, आएगा सर, आएगा, वो भी आएगा, 7 बजे के करीब आने वाले हैं। 7 बजे आपका थॉट्स ऑन हो गए, यार ऐसे करेगा, अच्छा मुंह से शब्द निकलने शुरू होते हैं, प्रॉपर इमोशन फीलिंग नहीं बनी ताकि कैंसिल हो, फिर ना आप कह रहे भुन गई भट्टी कोयला हो गया, फिर उठा आ गया 7 बजे, आते ही पेट में गुदगुदी शुरू हो गई, यार अभी ऐसा करेगा। सासों को देख के बहुओं को अक्सर ऐसा होता है, यार आ गई यार, अभी कुछ बोलेगी, कुछ करेगी, ऐसा हो, अब ऐसा करेगी, वैसा करेगी, कुछ बोलेगी। अगर आपने ये सोचा कुछ बोलेगी करेगी और आपने यह नाभि पे डाल दिया, दफा है बोलती है, बोले ऐसी की तैसी, इसका तो काम है नष्ट, इमोशन नष्ट हो गई, अब वो नहीं बोलेगी। अब आप 5 मिनट बाद फिर ऑन करोगे, यार बोली नहीं, अब बोल देगी। ये हम स्वयं ऑन करते हैं, हमने उसे पूरा नष्ट नहीं किया, पुनः ऑन किया। इसको ध्यान से प्रैक्टिस कीजिए, मैं आपको आज एक वर्ड सिखा दूंगा, उसके दम पे आपसे अपने आप होगा, क्योंकि ये प्रक्रिया बहुत अभ्यास मांगती है,
20 साल लगते हैं ग्रेजुएट होने में, आप सोचें क्लास करके आप सीख जाएंगे, भूल जाओ, साल डेढ़ साल की प्रैक्टिस कम से कम चाहिए। अब ये जो इमोशन आपने तोड़ दी और दोबारा ऑन करी, वो फीलिंग टूट गई। आपके जीवन में शुरुआत में आपने काम किया, बड़ा अच्छा बिजनेस चला, बड़ी अच्छी दुकानदारी चली, थॉट आया, आपने बोला कुछ नहीं, चल रहा काम कर रहा है, पूरा थॉट की पावर है, पूरे थॉट का इमोशन बना, आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल फर्स्ट क्लास गया, बिजनेस चला, काम चल रहा है, रोटी चल रही है, सब हो रहा है। जब चल पड़ा कुछ तो आपने एक दिन कह दिया, बढ़िया चल रहा है यार, मजा आ रहा है, मैं गाड़ी खरीद रहा हूं। थॉट स्लिप हो रहा है, इमोशन कम बननी शुरू हो गई, कम बननी शुरू हो गई। और अब इमोशन बनने के बाद आपने दफा नहीं किया, अब आप अहंकार में जने, यार नाम हो रहा है, साथ वाली दुकान भी खरीद ली, अब तो यार मतलब कि भैया भगवान ने एक देनी थी, दो दे दी, गलती कर दी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। कहते ना पचा जाओ, हजम हजम नहीं हुआ। अब तीसरी दुकान आ गई, आपकी इमोशन ही तोड़ दिया, आप तो सारे टाइमिंग घमंड में हो। आप देखेंगे कि जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता जा रहा है, आपके जीवन में परेशानियां पड़ रही, क्योंकि आपने अपना सॉफ्टवेयर तोड़ दिया, यहां से गाना गाना शुरू कर दिया एक तो आपने, सारी दुनिया को बखान, घमंड, हवाबाजी, बोलना शुरू, थॉट की पावर कंप्रेस हो गई है 33%, और 33% इमोशन सिग्नल वीक बन रहा है, आप कम बना पा रहे हैं जो मन की इच्छा है। नहीं तो भगवान मुंह दे रहा था सब कुछ, अब अचानक खराब। शादी से पहले लड़का लड़की बड़ा प्रेम करते हैं, कमाल का थॉट पूरा बनता है, कमाल की इमोशन बनती है, जिस दिन शादी के बाद जबान खुलनी शुरू हो जाती है, दोनों खराब हो जाते हैं, वही प्रेम समाप्त हो जाता है, समाप्त हो जाते हैं रिश्ते, प्रेम समाप्त हो जाता है। इसलिए ज्यादा बखान, ज्यादा बोलना, ज्यादा क्रॉस क्वेश्चनिंग विल किल रिलेशनशिप्स। तो इसकी छोटी सी एक्सरसाइज है, अब उस लेडी को जो पति तंग करता है, उसने क्या करना है, सांस लिया, बाहर छोड़, ये चल रहा है जी। हम अक्सर ये ध्यान देना, ये सब आपको करके होगा, हम सांस यहां से लेते हैं, चेस्ट, आपको नाभि से लेना, ये लंबा जाएगा और जब छोड़ा तो पेट हिलेगा, पेट हिलना है इस सांस फ्रॉम नाभि, क्योंकि हम नाभि पे थे, हम अपने केंद्र पर जाएंगे जहां से सब शुरू होता है। पेट में क्या है, अग्नि, अग्नि क्या करती है, सब भस्म, जब खाने को सब कुछ उड़ा के नाश कर देती है, तो क्या ये हमारे विचारों को नहीं कर सकती। आपको सांस लिया, सोचा भाई मुन्ना आने वाला, जो भी हस्बैंड है बंदी का, चंपो का मुन्ना आ रहा है, अब मुन्ना आ गया, मुन्ना आ गया, मुन्ना आ गया, मुन्ना आ गया, साथ बच गया मुन्ना, सीधा सोचा सांस अंदर, अगर सांस अंदर लेते हुए बहुत थॉट्स आ रहे हैं, कीचड़ कीचड़ कीचड़, तो ओम का उच्चारण करना है, ओम किल कर देता है, मन में ओम, ओम से सांस लिया, नाभि, नाभि हिलनी चाहिए, पेट बाहर जाना चाहिए, ये गया, और उसके बाद मन से सोचना है मुन्ना, मुन्ना दफा, मुन्ना नाभि पे जला डालो, नाभि पर मुन्ना को फूंक दो, बीमारी है, मैं एग्जांपल देता हूं, कैंसर है, ओम, मैं बोल रहा हूं आपको मन में करना, ओम कैंसर, जो वाला भी कैंसर है, बुखार है, तबीयत खराब है, कंसंट्रेशन है बच्चे की, हजार किस्म की एक्सरसाइज है इसके अंदर, स्वयं बनाइए, अंदर लिया, भय, भय आ रहा है, मन लो डर लग रहा है किसी चीज से, रात को सोएंगे कैसे अकेले, भूत आते हैं रात को, भूत बाहर, ये भूत गया बाहर, मन में आपने लिया भूत, भूत बाहर, यहां से भस्म होकर जाएगा, बर्न, आप देखेंगे आपको कुछ टाइम करने के बाद बड़ी रिलीफ सा हो रहा है, दिस एक्चुअली विल हैपन, यू हैव टू डू इट। एग्जाम से पहले बच्चा डर रहा है, मेरा क्या होगा एग्जाम का, क्या होगा एग्जाम, बोलो बेटा ब्रीदिंग कर आराम से, अब सोच मैथ्स का पेपर, यहां से फेंको बाहर, पुश, आपको फेंकना है, आपने मल की तरह शब्द से विहीन विचार को त्याग दिया है, बोल दोगे इमोशन टूटेगी, बोलना नहीं, गुप्त, बॉस तंग करता, बॉस, ओम बॉस, सास, पति की सेक्रेटरी, पड़ोस वाली मिसेस खन्ना, जिस चीज को फेंकना है अपनी खोपड़ी तो हल्की कर लो, अंदर सांस फिर से टाइम, और कुछ एक्सरसाइजेस आप बताते हो, बाहर सांस छोड़ रहा हूं, बाहर सांस छोड़ते हो, जो अंदर सांस लेना है ना, तो बोल नहीं सकते आप ओम कभी भी अंदर सांस लेते हुए, आप बोल ही तब सकते हो जब बाहर है, ओम यहां से आता है, ये खींचता है एस्ट्रल बॉडी, अंदर है और बाहर फेंका, अभी जो एक्सरसाइज होता है उसमें जो अंदर लिया है उसमें औरों को नहीं चढ़ने, ब्रेथ की क्लास किया ना आपने, गाड़ी में हम आए, प्राण आया, प्राण वायु के साथ बच्चे चढ़ गए, चढ़ने मत दो, नहीं मत आने दो, आपने एक मुन्ना जलाया, आप 20 मुन्ना अंदर ले बैठे, और क्लेश, तो अंदर सांस लेते हुए ओम,
और थॉट नहीं आएगा उसमें, आएगा ही नहीं, चढ़ ही नहीं पाएगा उस गाड़ी में। सिर्फ बाहर निकालो, अंदर के भय को, क्लेश को बाहर निकालना उस समय। और गुरु जी ये तो कपालभाति की क्रिया है, तो कपालभाति बना के कर लो। ओम का उच्चारण करने के साथ ओम वो एक्सरसाइज किंग पे इंपैक्ट डालती है जब हम बाहर छोड़ते हैं। जितने भी परेशानी दिमाग में आ रही है उसको सोच के नाभि से बाहर फेंक दो, नाभि भस्म कर दो, भस्म हो जाते हैं सारे के सारे जो विकार हैं वो भस्म हो जाते हैं। नाभि नाभि सब भस्म करती है, हम नाभि ही है, ये सेंटर है हमारा, जितना नीचे उतना ऊपर है हम, ये कोर है, बीच का केंद्र है, मैग्नेट है, ये नाभि है जो लड़कियां दिखाती है इतनी नन्नी सी कमर कैसे दिखाते हुए, और बंदे कहते हैं या अल्लाह कुर्बान खूबसूरत, मैग्नेट है इसमें, इसमें एक्चुअली मैग्नेट है। इसीलिए ऐसे कहने की बात नहीं, स्त्री का ये हिस्सा अक्सर स्त्रियां दिखाती ही है, यही चुंबक है। जो पुरुष है जो सुबह उठ के देखें अपना टी शर्ट शर्ट कुछ उतारते हैं तो नाभि पे कुछ धागा फंसा होता है, ये मजाक नहीं है, एक्चुअली होता है, ये शरीर करता है, इसको समझे। सारा केंद्र प्रेम का, सेक्स का, आनंद का नाभि से ही तो शुरू होता है, हम नाभि ही तो है। बहुत चलती हूँ फिल्में जिसमें पतली कमर लड़की की दिखाते हैं, नाभि दिखाते हैं वो सब हीरोइंस को, ये जेन्युइनली होता है। यू गेट हिप्नोटाइज, दिस इज हिप्नोसिस, ये आपको पता ही नहीं है, ये हमारे शरीर में एनग्राम्स में है, मेमोरीज के अंदर पड़ा हुआ है, हम ऐसे वाले ही हैं, ये कोई मजाक की बात नहीं है। इसलिए जितने भी थॉट्स आप ले रहे हैं और उसके द्वारा इमोशन बना रहे हैं उसकी फीलिंग पूरी बननी चाहिए, मजा आ गया यार पूरा, कितने पूरे हो जाते हैं जब मजा सा आ जाता है, कितना आनंद आ जाता है, वो आनंद लेना है, उस पूर्णता पे लाना है स्वयं को। इसलिए जो बच्चे पढ़ रहे हैं और पढ़ते हुए ये कहते हैं मम्मी दिमाग कहीं और भाग जाता है, काम करने वाले वर्कर्स हैं वो कहते हैं यार काम में मन नहीं लग रहा है, तो वो क्या करते हैं, उनके लिए सिंपल मेडिटेशन जान के चले, जो थॉट्स आ रहे हैं ना आने, बच्चा पढ़ रहा है पढ़ते पढ़ते उसको बोलो बेटा कुर्सी पे बैठा रहे और लड़ मत, ये कोशिश है, वो कोशिश कर रहा है, नहीं मैं फालतू नहीं सोचूंगा, फालतू नहीं सोचूंगा, मुझे पढ़ना है, साइंस है मेरा, मैथ्स है, बायोलॉजी है, मेरे को नहीं नहीं सोचना नहीं। वो जितना लड़ेगा यानी कोशिश करेगा उतना ही ज्यादा वो काम उसका होगा ही नहीं। हम यहां कोशिश की बात कर रहे हैं जिसको अभी हम विस्तार लेंगे आगे, कोशिश करते हैं हम लड़ने की, नहीं ये नहीं करना, कोशिश, जैसे ही आप कोशिश करते हैं बॉडी को जैसे कमांड्स मैंने बताई एक नई कमांड मिल जाती है, एक नई कमांड मिल जाती है, ये काम नहीं होना चाहिए, आपने इसको पकड़ा उठाया कि जी मैंने इसको उठा लिया, ये उठा लिया, अब आपने किसी तरह एक काम को करना और सोचा मैं हस्बैंड को समझाने की कोशिश करूंगी, मैं ये सामान देने की कोशिश करूंगी, मैं अच्छे से पेपर देने की कोशिश करूंगा, ट्राई माय बेस्ट कहते हैं ना, ट्राई इंग्लिश है, हिंदी का वर्ड है कोशिश, कि हम ये करेंगे। अब कोशिश कैसे की थी हमने, अब मुझे इसको उठाने की कोशिश करनी है, अपनी बेस्ट कोशिश करनी है, ये मैंने पकड़ रखा, अब मेरी बॉडी के अंदर एक कमांड जा चुकी है ये उठना नहीं चाहिए, सिर्फ कोशिश करनी है, बेस्ट कोशिश, जोर लगा दिया, माथा खराब कर दिया, थर्ड आई ब्लॉक कर दी, ऐसे नहीं है चेहरा, ऐसे कंधे ऊंचे नहीं है, कंधे नीचे है, हर कोशिश करते हुए। जितने लोग बहुत कोशिश करते हैं टांगे टूटती है और बुढ़ापा जल्दी आता है, अभी डिटेल होगी, ये कोशिश कर रहा हूं मैं, कोशिश उठाने की, उठना नहीं चाहिए, अगर मैंने उठा लिया तो उठ गया, पर मैंने शब्द क्या बोला है, मैं कोशिश करूंगा, मैं कोशिश करूंगा। आप जब जिसको समझाने की कोशिश करेंगे शब्द मुंह से निकालते हैं, आप देखेंगे आपके शरीर की मेमोरी में है, आपके मुंह से निकल जाता है, आप बोलना नहीं चाहते, आप क्लास सुन के जाएंगे अक्सर, आप देखेंगे यार समझ तो गए लेकिन मुंह से निकल जाता है। आपकी क्लास में आके हमारे शरीर की मेमोरी में ये डल रहा है कि कोशिश करने से कुछ नहीं होगा, तब अगर आपका गुरु ऑन होगा, आपका गुरु ऑन होगा, आपकी बॉडी क्या कर रही है अब आपको पता है, आपका बच्चा क्या कर रहा है आपको क्या है, पापा से कहना चाहिए मुझे वैसे बात, पर आपके पापा को पता हो बच्चा क्या कर रहा है तो बच्चा सेट रहेगा कि नहीं, सीधा रहेगा कि नहीं, नहीं पता तो पता नहीं क्या करेगा। इसलिए बॉडी सेट कैसे रहेगी, बॉडी ही कैसे सेट रहेगी जब बाप को पता है अबे किधर जा रही है, बीमार पड़ रही है, उसमें क्यों पड़ेगी, हम परेशान क्यों होते हैं जब बॉडी बीमार पड़ती है, बाकी तो खोपड़ी खराब हम खुद ही कर लेते हैं पर बॉडी की बीमारी में भागते हैं, भाई कुछ ध्यान दे, अब ध्यान दे, क्योंकि पता है यार सबसे कीमती चीज है, ये नहीं होगी काम कैसे करेंगे, ऑपरेट कैसे करेंगे, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, अमा क्यों बढ़ गया, तब घंटी बजती है यार, खोपड़ी कितनी मर्जी खराब कर लो,
इसलिए बॉडी की बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता है इसके अंदर, आपने इसको उठाना है, आपने कहते हैं ना आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, आगे से गलती ना हो अब जरूर हो, क्योंकि आपने कमांड दे दिया भैया कोशिश करनी है करना नहीं है। आपने जब कोशिश वर्ड मुंह से निकाला, ट्राई माय बेस्ट बोला, ट्राई बोला या कोशिश, ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप इमीडिएटली मूलाधार पे पहुंच गए, आप मूलाधार पे हो, मूलाधार पे हो। यहां पर होता है प्रिंसिपल बॉडी का कि जो यहां से सोचा वो नहीं होगा, क्योंकि कोशिश करनी है यानी करना नहीं है। इसलिए अगर आप कहते ना, मैं कहते ना बेटा उठने की कोशिश कर, तो बच्चा बड़ी मुश्किल से उठता है। आपने कमांड दे दिया ना अगला अननोइंगली, आपको पता भी नहीं है। अब बच्चा जब उठता है वो सुस्ती रहता है। आप देखेंगे जिस व्यक्ति से रोज सुबह पूछे कि भाई कैसे उठते हो, बोलता है यार बड़ी मुश्किल होती है उठते हुए, मैं बड़ी कोशिश करता हूं यार उठा नहीं जाता, इसलिए उठा नहीं जाता। और वो तो चाहता है उठे लेकिन उसने कोशिश करी है, और उसे पता ही नहीं, क्योंकि सालों साल से यही सिखाया, यही हमें जाना है और यही पता है, गुरु ऑन ही नहीं हुआ है, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं। कहते ना उसे कितना समझा लो वो बंदा चुप नहीं होता। बोले कैसे समझाते हो? मैंने इतनी कोशिश करी उसे बोलने की, बस हो गया, अब कभी नहीं समझेगा वो, क्योंकि आपके अंदर से कोशिश ऑन हुई है। ये है आपका कोशिश, ये है आपका लोग पागलपन, मैं, और ये है आपके ब्रेन का डिलीट का बटन। अक्सर लेडीज डिप्रेशन की ज्यादा पेशेंट होती हैं, मेरे पास आती हैं और कहती हैं जी मेरा दिमाग थक जाता है, मैं बुला ही नहीं पाती, मैं कैसे बुलाऊं। एक तो यादाश्त बड़ी स्ट्रांग है लेडीज, प्यार करेंगी तो जोरदार, लड़ाई करेंगी तो और जोरदार, क्या बताऊं मैं इतना जोर लगा के करती हूँ हर चीज की, भूल ही नहीं, भूल के राजी नहीं। आदमी इतना नालायक है भूल जाता है, जी कल शाम आपसे मिला था। आदमी ऐसा नालायक डब्बू है, अब वो भूलती नहीं है, फिर उनका डिलीट का बटन ऑन नहीं होता। डिलीट का बटन ऑन नहीं होता मीन्स पुरानी यादें नहीं भुला पाती। आपके साथ कोई हादसा भी जीवन में हुआ भुलाते नहीं, आदमी अक्सर भुलाते हैं, क्योंकि स्वाभाविक रूप से नेचुरली आदमी अक्सर क्या करता है, क्या है? उसकी नाभि ज्यादा काम कर जाती है। जो स्त्री नाभि का कार्य करती है वो भी ठीक रहती है, मैं शब्दों के लिए कह रहा हूँ, शरीर के द्वारा पोंछा लगाने वाली जो अक्सर स्त्रियां हैं उनका डिलीट का बटन बड़ा स्ट्रांग होता है, क्योंकि शरीर के द्वारा ये कमर का प्रदेश बहुत मूवमेंट लेता है। पुरुष वजन उठाते हैं उनकी कमर का प्रेशर बनता है अपने आप, लेडी भी उठाती है उसका भी बनता है। ये शरीर के द्वारा शरीर की मेमोरी को तोड़ने के लिए शरीर की बात हो रही है, शरीर व्यायाम के द्वारा शुद्ध होता है, शरीर कमाल की चीज है, ये सब करता है बॉडी जो माइंड जो कहता है। अगर आप रात को घबराने वाला डरावना सपना देखते हैं, अचानक आप उठेंगे, आपका दिल तेज धड़क रहा, बॉडी कितनी मासूम है, उसने दिल धड़का दिया, आप कहते हैं हमारा सपना था यार ये क्या था, और आपको पसीने दे देती है बॉडी, बॉडी फटाफट दिल धड़का देती है, उसने कार्डियो एक्सरसाइज कर लिया, अगले दिन ट्रेडमिल पे चलने की जरूरत नहीं है। जो लोग एक्सरसाइज करते हैं ना कि बेटा आधा घंटा रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए, अब कई लोग बूढ़े बुजुर्ग हैं जी नहीं कर पाते, तो वो कुछ नहीं करें, आराम से बैठ जाए कुर्सी पे और अपनी पुरानी यादें उठाए, यहाँ से पुरानी याद उठाए मूलाधार से, और सपने में चले जाए आराम से, और देखें कि मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ, मैं भाग रहा हूँ, मैं वेट लिफ्टिंग कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, बॉडी की मेमोरी ऑन हो जाएगी। वो जीवन में कभी जिम नहीं जाएगा व्यक्ति, लेकिन उसकी बॉडी सोच के द्वारा एक्सरसाइज कर लेगी। ये प्रयोग स्पेसिफिकली देखेंगे होता है, बट आप करेंगे तो होगा। आपका जिम हो गया आधे घंटे में, आप बॉडी की मेमोरीज को खोल के बॉडी को एक्सरसाइज करा सकते हैं, आप कराते नहीं। हैप्पी तो है नहीं उसके अंदर कोई, उसमें तो दौड़ भाग हो रही है, एक्सरसाइज हो रही है। आप ये अनहैप्पी वाली भी कर सकते हैं कि मैंने इतना पीछे गया था, मुझे शर्मा का आधे घंटे भाग तरह उससे तेजी भाग निकली गई, पर आपकी एक्सरसाइज तो हो जाएगी। हमें तो आपके स्वास्थ्य से मतलब है। मशूकों के साथ घूमो जी, मशूकाओं के साथ घूमो, एक्सरसाइज तो करो। देखो ख्यालों में जरूर, वैसे मैं आपको बता दूं सत्यता में, मशूकाओं के साथ घूमने के लिए कोई बताने की जरूरत नहीं है, सब घूम रहे हैं, सब घूम रहे ऑलरेडी। अगर बॉडी एक्सरसाइज कर रही है
तो वहाँ एंजॉय भी तो कर सकता बंदर। हाँ हाँ मजे में, आपने तो मासूमियत का परिचय दे दिया, ये सब जो बता देते हैं सब कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। इन्होंने ठप्पा लगवाया, ठप्पा लगवाया। अब ये वाला नहीं लाना ना बीच में, दीदी को भी भेज दो ना, ऋतिक रोशन अकेला आजकल, जा बहन तू उसके बारे में सोच। तो बॉडी की जो पॉइंट है, बॉडी के जो पॉइंट है, बॉडी के लिए कोशिश एक बहुत बड़ा शब्द। बॉडी किस तरह से सारे कमांड्स लेती है ये आपको पूरा समझना है। एक बार बीरबल और अकबर का किस्सा है कि अकबर ने बोला कि बहुत ठंडा पानी है सरोवर का, बीरबल इसमें कोई व्यक्ति रुक नहीं सकता। तो बीरबल ने कहा महाराज आप इनाम विनाम रखो, बतेरे आएंगे। अकबर ने कहा यार इतना ठंडा पानी सरोवर का हो नहीं सकता, ऐसा कोई रुक जाए। तो उसने कहा 1000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा मैं, कोई बंदा 15 मिनट खड़ा होकर दिखाए। तो बीरबल ने कहा महाराज 15 मिनट कम है, आप पूरी रात के लेके आए, जब इतना 1000 रुपये स्वर्ण मुद्रा है तो कन्फर्म भी तो हो। उसने कहा ठीक है बीरबल। मुनादी कर दी गई, कई लोग वापस गए, पर एक बंदा फिक्स हो गया और सारी रात, मैं कट शॉर्ट कर रहा हूँ स्टोरी, सारी रात सरोवर में बैठा रहा और सुबह उठ के बाहर आया तो जिंदा। अकबर ने बोला कमाल हो गया, बोले पहरेदारों पक्का देखा तुमने? बोले हाँ बिल्कुल महाराज, हिला नहीं। बोले इतने ठंडे में कैसे रहे तुम? बोले कोई जादूगरी की होगी, कुछ खाया स्पेशल, क्या क्या बताओ? बोले महाराज वो महल में बहुत ऊंचाई पर एक छोटा सा लैंप आपका दीपक जलता है, मैं उसको देखता रहा और वहीं से बस मुझे ऊर्जा मिलती रही। अकबर ने कहा बस बेईमानी की है, दफा करो, गर्दन काट दूंगा, 1 रुपया नहीं मिलेगा तुझे। और यार बड़ा सिसकाया, भाई मैंने क्या गलती बता दी महाराज को, ये तो राज पूछ रहे थे, नहीं तो वैसे ही सिर कलम करते। बीरबल के पैरों में गिर गया। बीरबल ने कहा रुक आएगा टाइम। अकबर और बीरबल फिर गए जी घूमने फिरने। तो जंगल में घूमते घुमाते अकबर ने बीरबल को कहा भाई भूख लग रही है। तो बीरबल ने कहा महाराज मैं खिचड़ी तैयार करता हूँ। तो आग जला दी नीचे और 10 फुट ऊपर खिचड़ी की हांडी रख दी। तो बीरबल को देखा अकबर ने और पहले तो रोका कि क्या कर रहे हो? बोले महाराज स्पेशल टेक्निक है। बोले भाई बीरबल है, हो सकता हो। पूरा दिन बीत गया, काहे की खिचड़ी, कोई खिचड़ी नहीं पकी। और बोला बीरबल ने क्या ड्रामा है ये, तुम बेवकूफ बना रहे हो, ऐसे कैसे पहुंचेगी आग वहां तक, टच तो कर नहीं रही। बोले महाराज जब किसी के देखने से आग पहुंच सकती है किसी के शरीर में और सारी रात सरोवर में रह सकता है तो ये भी हो सकता है, नहीं तो भूखे मरो। अकबर को गलती का एहसास हुआ और उसने उसको पैसे 1000 मुद्राएं बना दी। अब ये तो है कहानी, लेकिन सत्य की बात यह है कि ये ऊर्जा ली जाती है क्योंकि हांडी और हम में फर्क है। हम पंचभूत तत्व से बने हुए हैं और हम में अग्नि है, ईश्वर का वास है, गुरु ब्रेन है, वो शक्ति ले लेता है। ऐसे ही लोग इस शरीर से असंभव कार्य नहीं कर देते, बड़े अजीब अजीब काम करते हैं लोग शरीर से, कमाल के। शरीर की ब्रेन को समझना जरूरी है। शरीर खुद को हील करना चाहता है 24 घंटे 12 महीने। कोसना बंद कर दो गलती से भी, किसी को भी हर समय अवेयरनेस रखो, यार बोल क्या रहे, मुंह से क्या निकल रहा है, अच्छा है बुरा है इस प्रवाह को छोड़ दो, अच्छा बुरा कुछ नहीं है। और किसी हालत में अगर आपका आपकी बॉडी का साइन किया होगा, कुछ भी जो आपने गलत कमांड दी है जो बॉडी की मेमोरी में जा रही है, जो आपकी बॉडी को नुकसानदायक है, उस दौरान आपका ये माथा हिलेगा, ऐसे हिलेगा ही हिलेगा, ऐसे या ऐसे ऐसे, ये थर्ड आई क्रश होगी। ये आपकी बॉडी उस समय करके दिखाएगी कि भैया ले ली कमांड गंदी वाली, पछताना बाद में, गुड्डे टाइम से कर दूंगी तुम्हें मैं। ये सारे समय माथा खराब होता है। जिसने माथा अपना ललाट स्पेशल स्ट्रेट रख लिया उसके जीवन में नेगेटिव कमांड्स बनेंगे ही। इसलिए कहते हैं ना मौन मुद्रा, शांत मस्तक। आपका माथा ही आपके जीवन की कमांड्स बताता है बॉडी क्या कमांड ले रही है। और जिसका जितना ज्यादा माथा खराब, जितनी सिलबटें उसकी टांगों में उतनी प्रॉब्लम। हमारे शरीर में जो शरीर है वो किस आकृति में चलता है, सिर से लेकर पांव, ये हमारे चक्र बनाता हूं मैं हर बार। शरीर में हम लोग अलग अलग समय पर अलग अलग जगह स्थापित होते हैं, यानी कि हम कॉन्शियसनेस, पानी की बूंद, बूंदे इकट्ठा हुई महासागर, कॉन्शियसनेस एक आत्मा दो आत्मा महात्मा परमात्मा, इस कॉन्शियसनेस के ओशन में कहीं खो जाती है हमारी कॉन्शियसनेस जब हम शरीर छोड़ते हैं। पर जब शरीर में होते हैं वो कॉन्शियसनेस अलग अलग नोडल पॉइंट्स पर नाचती है, 7 है टोटल, मुख्य 84,000, लेकिन 7 मुख्य जो स्पाइन में लोकेटेड है। इसमें कुछ बहुत ही निग्लेक्टेड चक्र होते हैं जो पशु चक्र है, ये हमारे पैरों में होते हैं।
ये पशु चक्र पैर में होते हैं हमारे। आप सीधी बात मान के चले, यदि कोई पैरों की तकलीफ है, पैरों की तकलीफ में जीवन के आधार की तकलीफ, मतलब स्वयं के लिए मैं कुछ करना चाहता या चाहती हूँ, और हमें अपने आधार पे ये क्वेश्चन मार्क लगता है कि अब हम कैसे करेंगे, तो जब जब शरीर को एक कमांड मिलती है शरीर टांगे तोड़ देता है। इसकी डिटेल्ड क्लास हुई है कुंडलिनी के टॉपिक पर, ये क्लास अपलोडेड ऑलरेडी नेट पर। मोटी बात, जब पशु चक्र खराब होते हैं तो पशुओं की सेवा करो, सीधी सी बात। अब देखिए हम कहाँ कहाँ होते हैं जब हम सेवा कर रहे हैं। अगर हम डर के मारे सेवा कर रहे हैं कि यार करनी चाहिए भाई, नहीं यार दया यार अच्छी बात है, गंदी बात है, पुण्य होगा, मैंने भाई कुत्ते को बिस्किट डालता हूँ रोज या जो भी पंछी को दाना, डर डर के कर रहे हैं। अगर ये कर रहे हैं तो कूड़ेदान में जा रहा हूं, सारा किया हुआ आप यहां पर है, ये कोशिश का स्थान है, ये डर का स्थान है आपका, वो किया कूड़ेदान में भगवान को कभी नजर नहीं आएगा, वो आपका अंधा रहेगा। इसलिए जितनी बहुएं घर बैठ के, पत्नियां घर बैठ के ये कहती हैं, अक्सर डायलॉग होता है, मैं तुम्हारी इतनी सेवा की, दुनिया भर की मैंने सास की सेवा की, मैंने ये किया, फलाना किया, मैंने तुम्हारे लिए वो किया, ऐसा किया, क्यों किया, डर के किया, इसलिए किया, मैंने किया, उन दो का फल नहीं मिलता। अगर आप कर रहे हो, मैं कर रहा हूं यार, मैंने तेरे लिए इतना कुछ किया यार, जिम्मेदारी समझ के करता है, जिम्मेदारी ऊपर है, ये अहंकार कर रहा है, अगर मैंने किया है तो बेकार हो गया। अगर आप ये दो काम कर रहे हैं कि करके तो सुना रहे हैं और आपको मजे लुत्फ आ रहे हैं, ये महफिल में आपका असेट है, जैसे गाड़ी महंगी घड़ी एक असेट होती है, ऐसे ये भी एक असेट है। अगर ये असेट है तो आप स्वाधिष्ठाना चक्र से बात कर रहे हैं, ये दो चक्र का काम नहीं होगा, इसके लिए आपको पशु सेवा चाहिए। हमारे यहाँ तो बड़ा अच्छा देश है, हमारे देश में तो चिड़िया उड़ती मिल जाती है, बाहर जाओ सिंगापुर कनाडा अमेरिका वहां मिलती ही नहीं चिड़िया, हम तो छत पे गंदगी डाल देते हैं चिड़िया साफ कर जाती है, वहां तो कुत्ते पाल पाल के लोग सेवा करते हैं, मुफ्त की बात नहीं है, ग्रह प्रूव होता है उससे, ये पशु चक्र है हमारे, कुत्ता बिल्ली कुछ पालना पोसना, हालांकि ग्रह के अनुसार, पर आपका ये डर का मुद्दा जब तक ऑफ नहीं होगा, ये कोशिश चक्र है हमारा, मूलाधार इस कोशिश चक्र। अगर आपने कोई काम करके पछतावा किया है तो भी आप मूलाधार पे हैं, पछतावा, पुण्य की फीलिंग आई है तो आप स्वादिष्ट आते हैं, दोनों बेकार है, उसका फल इस जन्म में नहीं देगा ईश्वर और मनुष्य। अगर आप किसी व्यक्ति के साथ, अपने पार्टनर के साथ बड़े फेयर हैं, मैं बहुत अच्छा हूं, मैंने ये किया और मुझे इस चीज का घमंड है, मुझे बड़ी खुशी है, लोग कहेंगे घमंड नहीं है जी, तो वो अगर है कुछ भी है, फीलिंग है तो वो है, छोटा घमंड है, हम्बल घमंड है, हम्बल, जैसे हम कहते हैं ना भाई मैं तो साई का बहुत बड़ा भक्त हूं, यह घमंड ही है, हम्बल घमंड है, ये बड़े हम्बली हम कह रहे हैं जी साई के भक्त है, ये घरू है। अगर निस्वार्थ की है तो आप यहां है, यह ड्यूटी जिम्मेदारी, तब आप इस चक्र पे आए नाभि पे, अब फीलिंग बनेगी, फीलिंग बन ही अब सकती है, काम ही तब होगा, होगा ही नहीं, आप कहते रह जाओ भाई साहब मैंने 20 फोन किया आपको, मैं 10 बार आपके घर के नीचे आया, आपके पीछे पड़ा रहा, क्यों पड़े रहे, लालच से पड़े रहे तो यहां पड़े हो, डर के पड़े रहे तो यहां पड़े हो, कोशिश कर रहे हो तो वैसे मरे पड़े हो, काम होगा ही नहीं ना, उसका फल नहीं मिलेगा, एहसान मत करो ना एहसान करवाओ, निस्वार्थ, बोले यार बड़ा मुश्किल है निस्वार्थ करवाओ, मजा आ गया निस्वार्थ कैसे करो। अब अगर निस्वार्थ व्यक्ति है तो यहां है, अगर एक व्यक्ति यहां बैठा है और प्रेम से कर रहा है, करुणा भरोना कोई नहीं उसकी कि मैं दया कर रहा हूं आपके, नहीं प्रेम है यार, बच्चे के लिए करती ना मां, कहते ना यार दिल कर रहा है आपके लिए कुछ करने का, ये सम्मान से होता है, किसी के प्रति सम्मान आ गया, अपना बच्चा है, मेरा प्यारा बेबी है, सम्मान है उसके प्रति कि मेरा बच्चा है, उसके लिए करके मुझे कुछ पाना नहीं है उससे, ये उससे ऊपर की बात है। ये कैसा होता है मौन, प्रेम कैसा होता है, ये वाला मौन, अनाहत, अनस्ट्रक, चोट नहीं लगी, कोई बात ही नहीं हुई, ये बस कर दिया, यानी आप मौन में जब होते हैं, आपकी मानसिक अवस्था यदि मौन की है, मौन, कुछ नहीं है कहने को, कुछ नहीं है करने को, लोग अक्सर क्या करते हैं, जैसे कई बच्चे आते हैं मेरे पास, मेरा एडमिशन नहीं होगा, मेरा वहां एडमिशन होगा कि नहीं होगा, अब मेरा भाभी एडमिशन हो गया, अब मैं वो वाला कोर्स करूं क्या करूं, ये वाला कॉलेज ठीक नहीं है, वो वाला कॉलेज ठीक नहीं है, ये बैठा हुआ बच्चा मेरा खून पी जाते हैं और होता कुछ नहीं, काम सब हो जाते हैं। तो मौन में जा रहे हैं यदि आप, और आपके अंदर भावनात्मक तौर पे शब्द भी नहीं है तो आप यहां बैठे हैं, और अगर आप चुप रहते हैं तो आप इस चक्कर पर चुप, यहां से चुप है, मौन और चुप में क्या फर्क,
मौन यहाँ से मौन, कुछ चुप मीन्स बहुत कुछ बोलूंगा नहीं, बोलना नहीं है। और सबसे बड़ा चक्र होता है ये वाला, पता नहीं हम कुछ भी कार्य करेंगे दिमाग तो चलते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ सोचते रहेगा। हाँ, वो कभी यहाँ चलेगा, कभी यहाँ चलेगा, यहाँ चलेगा, यहाँ चलेगा, ये संज्ञा दे रहा हूँ। उस समय आप कहो आप कौन से चक्र पे हो, ये कॉमन सेंस का चक्र है, ये विशुद्धि चक्र है, ये हृदय चक्र है, यहाँ से सिग्नल जाते हैं, काम होता है, यहाँ सब नष्ट हो जाते हैं और यहाँ होते हो तो काम ही नहीं होता। इसलिए आप किस भावना किस फीलिंग पे ऑपरेट कर रहे हो, पानी ऊपर चढ़ता है, ये पानी है यहाँ, ये पानी क्या लेकर गया, यहाँ से क्लेश ले गया, सुख ले गया, शांति ले गया, छोड़ दिया, मौन ले गया, क्या लेकर गया, आप उस चक्र पे जाके डूब जाएगा। पानी, पानी मीन्स आप, आपकी कॉन्शियसनेस ट्रेवल करती है, पानी में बिजली चलती है, ना हवा में चलती, ना आग में चलती, ना जमीन पे, तो पांच तत्व में सिर्फ जल ही है जो मैसेज लेके आगे जाता है। चुप तो रहना ही चाहिए, फालतू तो बोलना ही चाहिए, बीवियों से ये तो क्लेश है, इसलिए तो पति हारता है। आपके चुप रहने से पत्नी परेशान रहती है आपकी, तो बड़े पुण्य किए हैं उन्होंने, परेशानी रहती है बेचारी, अगर आप बोलना शुरू कर दो तो पागल हो जाएगी। घमंड है ना, आपका स्टाइल है, आपका अपना स्टाइल है। चुप रहना बहुत बड़ी कला है, चुप रह के तो दिखाए कोई, बहुत बड़ी कला है। अब मुझे मजबूर हो गया आपके सामने तारीफ करनी पड़ रही है, पीठ पीछे ही करता हूं। बहुत बड़ी कला है चुप रहना, हम चुप कर रहते हैं, हम तो खून पी जाते हैं दूसरे का, इतना बोलते हैं पागल हो जाते हैं। हक के लिए लड़ाई, पूछ के लिए लड़ाई, आप चुप रहते हो, बड़ी सुकुंदर पा देते हो। मौन पे क्लास ठोक लेंगे किस दिन, देख लिया अभी अगले हफ्ते तो गोलगप्पे का लड़ा। अब आप देखें, हम एक ऐसी कमाल की बात कर रहे हैं जो ईश्वर हमारे लिए काम, इसकी बात कोई ना करे, ये टॉप है, यहाँ कुछ नहीं होता, यहाँ पता नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं की संज्ञा पे डिटेल करेंगे समय मिला तो। आप अगर इस तरह की फीलिंग पर है तो यहाँ आए, आपको हर जगह कुछ पता है, यही अकेली जगह जहाँ कुछ पता नहीं है, कुछ नहीं पता। अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो आप मूलाधार पे हैं, इसलिए जब जब बोलते हैं बेटा ट्राई और लेवल बेस्ट, आई विल ट्राई टू डू, मैं करूंगा, मेरे साथ ऐसा, वो काम नहीं होगा। आपको पता ही नहीं है, आप में कमाल की कॉमन सेंस होगी, आप कमाल का जवाब देंगे, आपको पता नहीं चलेगा कहां से आए। एक गांव में एक बाबा जी थे, उनके पास लोग जाते थे, पैर छूते थे, कुछ चढ़ावा दे आते थे और बाबा जी कहते थे जा बच्चा तुझे स्वर्ग दिया। दूसरे लोग कहते थे बच्चा भी तुझे स्वर्ग में देरी है, तीन दिन और आ। फिर किसी और को बोल दिया तो ये स्वर्ग से नीचे का द्वार दिया। किसी को बोलते थे बेटा अब तुझ पे ईश्वर प्रसन्न है, ये वाला वो वाला जिसका जो पसंद हो, अब तू स्वर्ग के मार्ग से 10 किलोमीटर दूर रह गया है। सब इमेजिनेशन में ठोक ठोक के पागल बना रहे। अब एक बच्चा देखता था यार बड़े बाबा जी बड़े कमाल के यार स्वर्ग भेजते, लोग बड़े सुखी से हो गए, लोग सोच सोच के कि स्वर्ग की पिक्चर देखने को मिल रही है। तो वो बाबा जी के पास जाता था, खेलता रहता था बाबा जी से बातें, बाबा जी कहते थे बेटा तुम कुछ चढ़ावा देख नहीं जाता, इतना आता है मेरे से, इतने आशीर्वाद देता है। कहता बाबा जी कभी मुझे स्वर्ग का आशीर्वाद ही नहीं दिया आपने। कहता बेटा तू प्रसन्न होऊंगा तो भी दूंगा, तू भी तो कुछ दे। कहता बाबा जी मैं तो बच्चा हूं, बाद में दूंगा, पहले आप मुझे स्वर्ग दो। तो बच्चा जाता है, एक दिन उसके बाद बाबा कहता है चल बेटा आज मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हुआ और मेरे साथ भगवान आए थे, सपने में बात किए, तुझे भी बच्चे स्वर्ग में स्थान दिया, अब बोल तू मुझे क्या देगा। तो बच्चा 2 मिनट खड़ा रहता, बैठा घुमा उछलता, तो कहता है बाबा जी मैंने आपको दिल्ली दी। बोले बेटा सुनाई नहीं दिया ढंग से। बोले दिल्ली दिल्ली। बोले दिल्ली? बोले कम है बाबा जी, बॉम्बे भी आपका हुआ। कहता है पागल बनाता है, पागल बनाता है, दिल्ली बॉम्बे देगा तू, पागल बनाता है, तेरे बाप के है तू बता। कहता है बाबा जी स्वर्ग भी तो आपके बाप का ही हो, तो प्लॉट काट काट के लोगों को देते रहते हो, हमारी दिल्ली बॉम्बे क्यों कहते है। आप देखें कितने लोग हैं जो उस बाबे रूपी झूठ बोलने वाले, वरदान देने वाले, झूठे सपने दिखाने वाले, बिजनेस के, काम के, पैसे के सपनों में भटकते रहते हैं। यार कोई एक आध कॉमन सेंस वाला होता है जो उसको पलट के दिल्ली देता है, कहाँ है कॉमन। हमें कॉमन सेंस नहीं चलती, मंदिरों में सिर पटकते रहते हैं, वहां जाके अपना वो बटन ऑन करते हैं जो हमारा उसके बिना होना चाहिए। हम व्यर्थ में बच्चों से लड़ते हैं पूरे पूरे जन्म, 12वीं क्लास तक बच्चों को कूट कूट के खुद से दूर रखते हैं माँ बाप, फिर उसकी प्रैक्टिस जाती है अच्छी, फिर वो पढ़ लिख जाते हैं, फिर वो विदेश चले जाते हैं या कुछ और कर लेते हैं, फिर कहते हैं पता नहीं हमारी मतलब परवरिश में क्या कमी रह गई, बच्चा हमें पूछता भी नहीं। भाई तू क्यों पूछेगा, तुमने उसे कभी पूछने नहीं दिया, तुम कहते थे होमवर्क होते ना, क्लास रख किया तुमने, फर्स्ट आया तू, प्यार किया ही नहीं। पौधे में पानी डालो पौधा बढ़ जाएगा, पौधे में जहर डालो पौधा मर जाएगा। बच्चे को क्या दिया हमने,
डंडा लड़ाई, लाड करो, चाव करो, ज्यादा टीटा पड़ कर दो थप्पड़ मारो, प्यार नहीं करता मैं तुम्हें, प्यार प्रेम नहीं करते पतियों को, ये स्यापा है पत्नियों से, मेरा नाम ऊंचा कर, मेरा नाम ऊंचा कर ससुराल में अपने, अम्मा प्यार से रहो, जीवन भर काम आएगी पत्नी, प्यारे सुंदर बच्चे होंगे तुम्हारे, सो सींचेगी प्रेम से तो पत्नी ही सींचेगी, आप प्रेम नहीं देते उसे, इतना प्रेम दो कि वो आप कहीं बाहर प्रेम के लिए जा रहे हैं तो वो आपको बोले नो प्रॉब्लम। सोचो बड़ी चमत्कारिक बात है ये, आप स्वयं भटकोगे नहीं, आप स्वयं भटकोगे ही नहीं। प्रेम हमारी लड़ाई है, मेरे पति ने मुझे प्रेम नहीं दिया, लड़ता है मुझसे, बहस करता है, भय 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 भय, मैं भी शुरू, मेरे भी मिरर न्यूरॉन ऑन हो गए, मुझे पता ही नहीं है। कट करो आपके शांत मिरर न्यूरॉन से, दूसरे के मिरर न्यूरॉन शांत करके दिखाओ ना, तो जाने गुरु और हुआ। और आप कर सकते हो, आप ऐसा कर सकते हो, कोई कोई आदमी होता उससे लड़ने का मन ही नहीं करता, कोई मिलता है कैसा मिला होगा सबको लाइफ में, यार इससे कौन माथा नहीं, यार इससे लड़ने का, इसका चेहरा देख के लगता है क्या रखा है, अंदर से वाइब्रेशन आता है ऑटोमेटिकली, ऐसा होता है। मैंने ऐसा देखा है बड़े बड़े बिगड़ैल लड़कों को, किसी किसी लड़की को छेड़ के राजी नहीं, वो कहते यार मन नहीं करता, मैं कहता हूं कहां गया तुम्हारा चरित्र, कहते पता नहीं यार यहां होने नहीं हो, क्योंकि वो लड़की के अंदर, कन्या के अंदर विशेषता है, उसमें इतनी शांति है, ये आपके अंदर की वाइब्रेशन है, आप कहां पर है। तो अभी हम सिस्टम की बात कर लेके चल रहे हैं कि हमें कोशिश नहीं करनी है, मैं नहीं करना है, ये कर सकते हो सबसे पहला काम, ये ट्रकों के पीछे ज्ञान लिखा होता है, नेकी कर कुएं में डाल, ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, हम यूं पढ़ा इग्नोर करके दिखाओ, कुएं में डाल के दिखाओ। बच्चों को माँ बाप कहते हैं तेरे इतना किया, तेरे इतनी फीस भरी, भै भै भै, क्या फायदा, कुएं में डाल के दिखाओ, बच्चा हमारी सेवा करे क्यों करे, आप उसे प्यार, वो करे तो बोनस, आप खेलो उससे, अगर वो आत्मा धरती पर आपको कुछ देने आई है तो अपने आप देगी। आप जन्म के अंदर कमांड देते देते बॉडी की मेमोरी में डाल देते हो, नलायक है बच्चा, आपके लिए नलायक बन जाएगा। अपनी बॉडी को कंफ्यूज मोड में मत डालो, आपकी बॉडी सुन रही है लगातार जो आप बोल रहे हो, आप प्रसन्नता से एक दिन कुछ बढ़िया सा खाके तो देखो, आपको हजम हो जाएगा। और आप क्लेश में दुख में करके दिखाओ, हजम नहीं होगा। आप सोने जा रहे हो, बस सो जाओ, गुरु के पास जा रहे हो चले जाओ, मेडिटेशन में जाते हो चले जाओ, बिजनेस करते हो कर लो, सोने की कोशिश करके दिखाओ, नींद नहीं आएगी। आप इस कमांड पे विशेष ध्यान दें, आज रात करके देख लें, आज बिस्तर पे जाते हुए बोले आज मैंने सोने की कोशिश कर ली, आप सो नहीं पाओगे। बॉडी को इमीडिएट कमांड मिले सोना नहीं है भाई, कोशिश करनी है, मैं इसको उठाने की कोशिश कर रहा हूं, ये कोशिश हो रही है, उठी गई नहीं, उठना नहीं चाहिए, इस कमांड को ध्यान से पकड़ना। अब आपकी बॉडी भी करें तो क्या करें, अभ्यास, सिगरेट छोड़ने की कोशिश करते हैं नहीं छूटती है, तो सिगरेट तो छोड़नी भी नहीं चाहिए। आपको पता है क्या छोड़ना चाहिए, सिगरेट बुरी चीज है, सिगरेट पीना पाप है, सिगरेट से फेफड़े खत्म होंगे, सिगरेट से कैंसर होगा, ये छोड़ना है, क्योंकि ये सब बीमारियां सिगरेट के बिना भी होंगी, अगर होनी है तो। आपको सिगरेट नहीं छोड़नी है, आप सिगरेट कैसे छोड़ोगे, तो शुरू करो। लोग कहते हैं ना सिगरेट छोड़नी है यार, कोशिश कर रहा हूं, कोशिश तो ये यहां से कर रहे हैं ना आप, देखो यहां बैठ के कर रहे हैं, वो जीवन में होगा ही नहीं, कोई भी काम तब होगा जब आप यहां पर, यहां से नीचे तो भूल जाओ, और यहां तो भगवान करेगा आपके लिए, कृष्ण ले आएगा रथ, आजा सीट, मैं तेरा बनता हूं पीत करना पर्सनल सेक्रेटरी, तेरा काम करके यहां कृष्ण बैठा करेगा, यहां से ऑन होता है कृष्ण। अभ्यास कैसे होगा, कोशिश नहीं करनी तो अभ्यास कैसे, बस अभी मैंने इतना कुछ लेक्चर दे दिया और अभी एक वर्ड बना के दे दूंगा वो करा देगा। कोशिश करनी है, कोशिश करनी है, कोशिश करनी है, पर आप क्या कर रहे हैं, ये फोन क्यों करते हैं, पैसा लेने के लिए कर रहे हैं या पैसा मिल जाए की कोशिश कर रहे हैं, ये आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, आपकी बॉडी बेचारी भूली है ना, बस तो ये वाले से स्टार्ट कर दो अगली बार, जब आप ये करोगे ना अगली बार फोन, और उसने कहा नहीं है, तो आपने फोन रखते हुए कहा ना ऐसी कि तैसी तेरी, दफा हो क्लेश तो पछतावा है, क्या हुआ, और आप बोलो ना मैं देख लूंगा इसको, मैं इसको ये करा दूंगा, बुक तो आप यहाँ पर हो, ऐसे नहीं मिलेंगे पूरी जिंदगी, कैसे यहाँ से शुरू होंगे मिलने थोड़े थोड़े, ठीक है भाई देने होंगे, देगा नहीं देगा, मेरे है
हाँ, मैंने दिए थे, विद्धि मेरी भ्रष्ट थी, उसके पुण्य थे मेरे पाप, उसके पैसे मेरे पास, बैंकक्रप्ट हो जाते हैं, यहाँ से शुरू होंगे, बैंकक्रप्ट हो जाते हैं, अहंकार आ जाता है, यहाँ जाके गिरते हो, अहंकार आ जाता है, मैं हो जाती है, यहाँ जाते ही एक सेकंड में पतन हो जाता है, एक क्षण में तबाही। तो ये सब लोग खत्म हो गए, इनके सब स्टोर बिक गए ऋतु वीर के। मैंने भी उनसे कुछ पैसा लेना 8.5 लाख रुपया, लेकिन वो उन्होंने बैंकरप्टसी डिक्लेयर कर दी है। तो हमारे पे 8.5 लाख लेने से पहले आप मुझे गोद नहीं ले सकते थे तब मैं भी थोड़े से एंटी कर लेता मेरा तो घटक रहा दिया। तो उन्होंने बैंकरप्टसी के लिए केस भी नहीं किया, छोड़ो यार, कोई बात नहीं, मिलने होंगे मिलेंगे, आपके होंगे अपने आप, हमारे तो आ ही जाते हैं, अपने आप ही तो आते हैं। मंग लाना चिंता ना करो, वह वीर साहब ना लगे थोड़े कडो बॉटल कडो पछतावा तो नहीं है, रोना पिटना तो नहीं है, ये डाल लो ना, स्वार्थ क्यों बुरी चीज थोड़ी है। एक स्वार्थ होता है मैं तेरा नुकसान करके कमाऊं, एक स्वार्थ होता है मैं कमाऊं, एक होता है मैं कमाऊं तू कमाए कमाए ना कमाए, कई किस्म के स्वार्थ है ना, इसमें तो नई क्लास हो जाएगी। हम भी अगर कमाते हैं तो मैं बोलता हूँ भाई तू कमा रहा है, अगर कमा के कुछ दे रहा है हमें तो हम आगे कमा सकेंगे, उसमें रॉकेट की तरह कमाई होती है। किसी के हाथ से प्रेम से दे के देखो, कोई सामान खाने का उसे खाओ स्वाद आएगा, टिकेगी चीज। आप प्रेम से एक पेन किसी को गिफ्ट दे के देखो, वो आगे गिफ्ट नहीं करेगा, आपने गिफ्ट कर दिया उसे और वो पड़ा रहा और वो कहीं और चला गया, तो आपके देते में प्रेम नहीं था। ये आजमाई हुई चीज है, मैं अक्सर फिर बाद में हम यही कहते हैं मैंने तुझे दिया था कहाँ गया, बोले यार जब दे दिया था तो पूछ के, और अब तो मेरा हो गया, नहीं अभी भी है तो मेरा ही, तेरे को दिया तू पहन तू खा, यही तो लड़ाई है हमारी। तभी तो बाप बच्चे से लड़ता है, वो कहता बेटा तेरे को ये सामान दिया था पैसे दे कहाँ गए, पापा गर्लफ्रेंड दे उत्ते खर्च थे और वो तेरे लिए दिए थे, वो गर्लफ्रेंड भी तो मेरी है कि बाप को समझ नहीं आता घर में लड़ाई। तो अगर आप चुप हैं, चुप रहने की कला जानते हैं तो विशुद्धि पर है, आपका सक्सेस रेट बढ़ता चला जाएगा। पर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इन 5 पंचभूत तत्व धरती के तत्व से ऊपर जाके भगवान से नौकरी करानी है, अभ्यास की भी जरूरत नहीं, तो आपको पता नहीं होना चाहिए। ज़करबर्ग को पता ही नहीं था फेसबुक चलेगी, पता ही नहीं था, ये फैक्ट है, उसकी मूवी है वो देखिएगा, वेरी ब्यूटीफुल मेड, पता ही नहीं। अच्छा हमें तो पहले ही पता होता है, हस्बैंड और वाइफ जब होते हैं वो अक्सर क्लेम करते हैं मुझे सब पता नहीं, वो भी कहते हैं मुझे भी पता, कुछ पता नहीं होता है, फिर नई नई बातें पता चलते हैं बाद में, फिर लगा पता लगता। तो ये पता नहीं जीवन का सबसे बड़ा सूत्र, अगर आप इस पर पहुंच गए शिशु बन गए आप। कहते ना मैं करके दिखाऊंगा, कितना नीचे हो ऊपर वाले से, कितना नीचे हो, इसके बच्चे बन के दिखाओ कि तू ही करेगा, नहीं करेगा तो भी तू ही नहीं करेगा। भगवान कुछ नहीं करता या करता है ऐसा नहीं करता है, बस वो होने देता है। नदी में पानी बहता चला जाता है अपने आप, नदी नहीं कहती थोड़ा इधर पड़ना पत्थर भाई साहब मैं इधर से निकलूंगी, थोड़ा कट लेना भाई तेरा नहर निकालनी है, नो, कोई लेना देना नहीं, ऐसे सरल बह के दिखाओ। इतने सरल यदि आप बन सकते हैं तो आपके जीवन में सारे रास्ते खुलते हैं। बीरबल मुफ्त में बुद्धिमान नहीं था, बीरबल के किस्से फालतू के नहीं है, ये कॉमन सेंस, दिस इज कॉमन सेंस। एक गाँव में दो व्यक्ति थे टिंकू और मुन्ना नाम के, लड़ते रहते थे। तो बोले भाई आम का बगीचा है, इसका है उसका है किसका है, लड़ाई होती थी। अब वहां पर किस्सा पहुंच गया महाराज के पास, अकबर के पास, कि भाई महाराज आम का बगीचा है और उस आम के बगीचे के लिए दो दावेदार हैं, मुन्ना और टिंकू। वो कहते मेरा मेरा, बोले गवाही कराओ। बोले महाराज दाएं बाएं सबसे गवाही कराइए, सब लोग कहते हैं दोनों पानी देते हैं। बोले कमाल है यार, ये तो बड़ा अजीब सा फैसला। कागज पत्तर, बोले दोनों के पास है। बोले एक डुप्लीकेट जरूर होगा। बोले महाराज पता ही नहीं चल। बोले बस फिर तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं, जिसको कुछ पता ही नहीं है उसी से पूछना पड़ेगा। आजा भाई बीरबल बता,
बीरबल ने किस्सा सुना, बोले ठीक है जी, तो फैसला बड़ा साधारण सा, बस आसान है, कोई प्रॉब्लम है नहीं इसमें, पता लग जाएगा। बड़े हैरान परेशान हुए मुन्ना टिंकू, बोले यार फैसला कर देगा बीरबल, पर करता आया भाई। तो रात को बीरबल ने एक एक बंदा भेज दिया दोनों के घर पे, ये ध्यान देते हुए कि घर पे वो बंदे ना हो। तो दोनों की अपनी अपनी रिस्पेक्टिव वाइफ को जाके बोल दिया, मुन्ना की वाइफ को बोल दिया कि भाई तुम्हारे बगीचे में तो आग लगाने लोग आया, आम चुरा लेंगे। वो बड़ी चिंतित हुई, अब पति के आने का इंतजार किया। जब पति आया तो बोला भाई मुन्ना ये हाल है, कुछ कर जा। बोले पेट में भूख लग रही है, फैसला बादशाह सलामत ने अभी किया नहीं है, पहले खाने को दे मुझे, चला जाऊंगा, भूखे पेट तो लाई भी नहीं होती। चल सुन लिया उसने जो गया था खबर देने। फिर टिंकू के घर पे जाके बोला, उसकी पत्नी ने सुना कि भाई अच्छा ऐसा हो गया, आते टिंकू को बताया उसने। टिंकू ने उस टाइम लाठी उठाई और भागा, बोले खाना तो खा लो। बोले अरे भाई खाना तो मैं दो घंटे बाद भी खा लूंगा, आम टूट गए, बगीचा जल गया तो दोबारा नहीं आएगा। अगले दिन फैसला हो गया किसका, वो टिंकू का बगीचा। सादी सी बातों के रास्ते कैसे निकलते हैं, ये कॉमन सेंस कहां से ऑन होती है, ये ईश्वर हमारे लिए काम कब करता है जब हम कहते हैं पता नहीं, मालूम ही नहीं। क्योंकि सच कहे ना, हमें कहां मालूम, हम सच में कहां जानते हैं उसके तरीके, हम कहां जानते हैं, औकात से ज्यादा दे देता है। इतने तो पढ़े लिखे औकात के लोग नहीं होते, उनको ईश्वर दे देता है। जो ज्यादा औकात के हैं वो नौकर बनते हैं, नौकरी करते हैं, वो कहता है मैं इतना पढ़ा लिखा, मैंने ये किया, मैंने ये डिग्री, मैं भगवान कहता फिर तो जीता रहे, मैं आता रहे, पता नहीं करके दिखाओ। मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ जो हर महीने माता के द्वार जाते हैं, वो पता नहीं करके जाते हैं, अच्छी बात है, उनका पता नहीं ऑन करते रहते हैं, वो माता के मंदिर जाके हर महीने जाओ ना, माता के मंदिर जाने के खिलाफ नहीं है, मुद्दा ही नहीं है माता का मंदिर जाए चाहे ना जाए, मुद्दा है पता नहीं होने का। अक्सर नहीं जाना चाहिए भी नहीं है, जाना है जाओ, नहीं जाना है मत जाओ, हमें पता नहीं होना चाहिए। हमें बहुत कुछ पता होता है, समस्या ये है, आपने बिजनेस किया, आप जेन्युइनली जानते होंगे आपके की हुई कैलकुलेशंस कितनी बार पूरी हुई, 100 में से एक बार, बाकी टाइम तो पता ही नहीं, अक्सर तो पता ही नहीं खर्चा कैसे चल रहा है, पैसे कहाँ आ रहे हैं जा रहे हैं, कौन सी प्रॉपर्टी कब बन गई कब बिकी, यार क्या हो रहा है पता ही नहीं। इस पता नहीं को गले लगा, ये पता नहीं आपको ऑन करना है। अब समझिए क्या होता है, मेरे पास लोग आते हैं परेशान है, बड़े अफसर बन जाते हैं, बड़ी तोपे बन जाते हैं, सल्यूट मारते हैं बंदे, गाड़ियां दरवाजे खोलने के लिए भी उनके साथ बंदे होते हैं, ऐसे ऐसे तोपे बंदे, फिर आके बैठते हैं जी परेशान है जी, तो यार बॉडी की मेमोरी क्या करें इनका, फिर उन्हें शिक्षा देनी पड़ती है किस तरह चलता, मैं किस्सा बता देता हूँ, दो किस्से बताते हैं, पहले एक छोटा फिर एक बड़ा। एक बार एक ऑफिस में 10 बंदे थे और एक बॉस था उनका, वो बड़े दुखी होते थे उस बॉस से, कहते सारे टाइम ये खून पिए रखता यार, बहुत गाली बकता है, जाने नहीं देता यार, किसी की तो नई शादी हुई तो बोला सुहागरात के लिए 2 दिन बाद छुट्टी दूंगा। अब बोले बॉस शादी हुई है, बोले 2 दिन काम है, जॉब छोड़ दूंगी तो। और परेशान बेचारा, मतलब रात को 9-9 बजे तक बिठा के रखना, 5 बजे छुट्टी, सुबह जल्दी बोल देना, 10 मिनट लेट हो तो गालियां बक देना। 10 बंदे दुखी हो गए कि यार नर्क है जिंदगी तो यार, और यार नौकरी नहीं छोड़ पा रहे, उन 10 को कहीं नौकरी मिल नहीं रही, प्रोफेशनल्स पढ़े लिखे राजी हो गए कि कहीं और जॉब कर लेंगे, कम पैसे पे कर लेंगे। बड़े दुखी हुए, महाराज जी के पास चले गए, बोले महाराज जी एक समस्या, ये क्या है, ये क्या चक्कर है। महाराज ने ध्यान लगाया, बोले बेटा ओहो ये तो बड़ी बेटा कर्म की गति है, क्यों जी क्या किया। बोले पिछले जन्म में तुम्हारा 10 लोगों का संयुक्त परिवार था, बड़ा पैसा था, बड़े काबिल, नामी गिरामी, और तुम्हारे घर में नौकर था रामू, उसको तुम सोने भी नहीं देते थे, खून पी रखते थे, कहते थे मेरा तो एक ही काम बताया, उसकी शादी ब्याह बाल बच्चे घर बनना, छप्पर रिपेयर तक करने के लिए छुट्टी नहीं देते थे उस बेचारे को, और तुम्हारी सेवा करते करते वो पागलों की तरह जीता था, नरकंकाल हो गया था, रोटी खाने का भी टाइम नहीं, रोटी के बीच उठा लेते थे। अब बेटा वो रामू बॉस बन गया है इस जन्म में तुम्हारा, अब वो वही वही लेन देन कर रहा है, किसी का खाना हराम कर रहा है, किसी का छप्पर खराब कर रहा है, किसी को लेट करता है, तो बेटा इस तो तुम्हें वापस मिल रहा है जो हो रहा है, इसका कुछ नहीं कर सकते हम। बोले महाराज कोई तो तरीका होगा। बोले सीधा तरीका, जाके उससे माफी मांग। तो माफी मांगने की बात पर एक बंदे ने माफी मांगी मुफ्त में, और उसी के लिए बॉस पिघल गया,
और खुद उसकी नौकरी दूसरे डिपार्टमेंट में लगवा। वो बंदा मेरे पास आता है और मैंने ही रामायण पाठ उनको सुनाया। और ये सच्ची घटना है कि भाई क्यों तुम 10 का खून पी रहे हो, तुम्हें नौकरी तक मिलकर राजी नहीं। कैसी विचित्र घटना होती है, यह है लेन और देन। क्योंकि पता है और पता नहीं, सब कहते थे मैं सबकी पिटाई, एक ने मैं छोड़ा, उसके लिए ईश्वर ने रास्ता खोल दिया। कर्म काट डाले पिछले, दुख मिल रहा ना पिछले 10 साल से, कैसे कटेगा, सिर्फ यही काट सकता है। अब आपकी बॉडी की वो मेमोरीज धुली होनी चाहिए। बॉडी क्या करती है, जो दूसरा किस्सा था जिसमें मेरे पास वो बड़े वाले बॉस आए, ये हो जाता है वो हो जाता है। उनका किस्सा कुछ इस तरह से है कि बचपन में, मान लेते हैं 5-7 साल की उम्र में, उनके फादर उनको डांटते थे। ये सब कथा है, कहानी किस्सा है, ये सच्ची बात। तो वो बोला करते थे, अबे सुनता नहीं है तू, अबे नालायक। अब धीरे धीरे बॉडी की मेमोरी में अबे वर्ड चढ़ गया, जहां वो अबे सुनते डर लग जाता। अच्छा पता नहीं क्यों डर लग जाता। समय के साथ दसियों साल बीत गए और बहुत सारी ऐसी कमांड्स आ गई कि तेरे को अकल नहीं है, तू पागल है। वो बाप उठता ही रहता था, कूटता ही रहता था, जरा सी कोई ध्वनि करनी ऐसे लाठी मारनी जोर से, ठप, बच्चा कांप जाए, यार क्या हो, दरवाजा धाड़ मारना जोर से, बच्चा कांप जाए, क्या हो रहा है यार। ये सब उसकी बॉडी की मेमोरीज में चलता गया चढ़ता गया। अब वो बन गया सुपर बॉस, लेकिन उसके दरवाजे खुलते हैं अगर ऑफिस में और किसी ने धाड़ से मार दिया तो उसमें घबराहट हो जाती, उसे पता भी नहीं है। उस बच्चे को पूरा पास्ट में लेके जाना पड़ा मुझे, तब पिछली खंगालनी पड़ी, कौन कौन सी कमांडे बॉडी में घुसी हुई है, तब जाके पता चला यार ये तो अबे से डर जाता है। अबे यार ऑफिस में बंदे बात कर रहे हैं कि इससे फोन पे बॉस साइड से गुजरा, अबे यार तुझे पता तो है नहीं, ले यार अबे सुना और उसकी बॉडी उसमें चली गई, यार ये क्या हो गया। और पता ही नहीं है उन्हें कि यार मेरे साथ हो क्या रहा है, डिप्रेशन की दवाई चल रही है, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, डॉक्टर साहब पता नहीं चल रहा, बोले मुर्गा आ गया, आजा 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 आजा, इसे पता ही नहीं क्या चल रहा है, ये कौन सा वाला पता नहीं है, डरा वाला। अब वो कोशिश कर रहा है, मैंने ठीक होना है, पूरी कोशिश करूंगा, बॉडी को नई कमांड दे दी, ठीक होना ही नहीं है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगर डॉक्टर बोले मैं पूरी कोशिश करूंगा, समझो मार देगा उसको, बोलो डॉक्टर साहब आप करो, आपने काम करना है, आपने किसी को आश्वासन देना ना कि भाई साहब मैं भाई साहब पूरी कोशिश करूंगा, पूरी कोशिश, ये नहीं बोलना, बोलना भाई साहब देखता हूं जो मेरे से बन पड़ेगा। देखते हैं शब्द की कमांड यहां से निकलती है, देखते हैं। देखते हैं। मैं करूंगा तो यहां करूंगा, होगा ईश्वर की मर्जी, करूंगा मेरी इच्छा, होगा और करूंगा तब मिलेगा जब बच्चा बन जाएगा मैं ईश्वर का। हम बच्चा नहीं बनते, हम ही कहते हैं ईश्वर तो जेब में डाल रखा मैंने, मैंने दान किया पता कितना, मैं पता कितने अच्छे कर्म करता हूं, मैंने कितने मंदिर बनवाए हैं, मैंने फलाना किया है, हम खुद ही ईश्वर बने बैठे होते हैं। भूलिए प्रेम अकेला रह गया, इसके साथ किसको जोड़ोगे? ऋतु भी है, ऋतु भूली 8.5 लाख रुपए तो बेचारी गरीब है, उसके पास रहने दो ना। प्रेम अकेला ही होता है, अगर दो में होगा दुई डुअलिटी तो सिंगुलरिटी कहां से आएगी, दो होने से बट गया खत्म। प्रेम होता है अकेला। हाँ जी, अगर तुमने बोला कि मैं करूंगा, कोशिश नहीं मैं करूंगा, ईगो तो चेक करना ना, ईगो से तो नहीं बोल रहे, दफा करने के लिए बोलना है, मैं कर दूंगा, होए ना होए इस पे छोड़ो ना, भाई मैं तो करूंगा बोल दिया, अगले के तसल्ली के लिए भाड़ में जाए, होए ना हो, ये करके चलना। भाड़ में यहां से जाते हैं ना, या सीखे भी नहीं होता, चलो कोई बात नहीं, यहाँ भाड़ में जाए होता है, यहां रहना, नीचे नहीं जाना ना, यहां नहीं जाना। मैं शब्दों के लिए बोलूंगा, शब्द बोलना पड़ेगा मुझे, आजकल बच्चे छोटे छोटे बच्चे सीख गए हैं, ओ शिट ओ फक, आप खुश तो होइए, देखिए ऐसे चलेंगे आप, ऊपर होता है, आप दुखी होंगे, क्लेश होंगे, यूं होगा, कॉन्शियसनेस इज गोइंग डाउन, कॉन्शियसनेस गोइंग डाउन इज मैं नीचे से कार्य कर रहा हूं, मैं ऊपर से नहीं कर रहा। अब हम ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे इसको, अब हम एक वर्ड बनाते हैं अपने लिए, पता नहीं, एक ऐसा वर्ड जिससे हम पता नहीं करते ही बॉडी उस मेमोरी में चली जाए, एक नए मोड में जिससे वॉश आउट हो और कॉमन सेंस ऑन हो। पकड़ पाया सारी बात, आपकी बॉडी की मेमोरी में
एक नया वर्ड देना है जिसके बोलने मात्र से आपको एक ऐसी कमांड मिले। मैंने कलर का बताया है, वर्ड का बताया है, यहाँ पर हाथ रख के ध्यान बताया, लेकिन किसी ने चार्ज नहीं किया होगा। वीरेंद्र जी ने कहते हैं किया, लेकिन फिर छोड़ छाड़ दिया आदत में। तो अब हम एक ऐसा वर्ड बनाएंगे जिस वर्ड को बनाने के लिए हम बॉडी को एक तरंगित मोड में लाएंगे, आनंद के मोड में लाएंगे, मजे में लेकर आएंगे, और जब वो वर्ड बोलेंगे मात्र हमारे ही सेंसेशंस में बॉडी एक नया वर्ड रिकॉग्नाइज करेगी। इसकी मिनिमम 7 डेज प्रैक्टिस करनी है तो मसल मेमोरी में जाएगा, 3 महीना ब्लड मेमोरी। ब्लड हमारा लाल रंग का होता है, आंसू हमारे सफेद, लाल रंग यहां होता है विग्योर में, वॉलेट इंडिगो ब्लू, रेड मूलाधार इज रेड, व्हाइट इज ऑल कलर्स मिक्स्ड इन वन, दैट इज द कलर ऑफ कॉस्मोस, सन की लाइट व्हाइट, दैट इज ऑल कलर्स विलीन। एक होता है राग, एक वैराग, राग इज कलर ऑफ लाइफ, माया अटैचमेंट, वैराग नो माया, नो अटैचमेंट मस्ती, ठीक है जी। तो ये वर्ड के लिए हम अपने आप को तरंगित करेंगे, बॉडी वाइज माइंड वाइज सोचेंगे, और इस वर्ड के लिए आप लोग मेरे साथ साथ रिपीट करेंगे, और धीरे 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 इस वर्ड को हमें मस्ती में झूमते, सिर हिलाते, पैर हिलाते नहीं, पैर हिलाने वाला डांस पशु चक्र पे जा रहा है, सिर हिलाने वाला ऊपर के चक्र पे जा रहा है, बिल्कुल तरंग में मजे में मस्ती में हमने करना है, और इसको घर जाके सबने प्रैक्टिस करना और सिद्ध करना है। उस वर्ड का नाम है झावल ड्रिल, ठीक है, आएगा। आप इसकी क्लास अलग करनी पड़ेगी, जे से या जेड से ले सकते हैं, जे या जेड इजी लगे, झावल ड्रिल नहीं तो झावल ड्रिल चलेगा, ठीक है। हम स्टार्ट करेंगे इसको, अब करेंगे हम स्टार्ट करेंगे, मेरे पीछे पीछे बोलेंगे सब, डिंग डिंग डिंग, बंग बंग बंग, छंग छंग छंग, पिंग पिंग पिंग, डंग डंग डंग, मंग मंग मंग, अयो झावला झावल ड्रिन, झावल ड्रिन झावल ड्रिन, अब आपको इस समय जो बॉडी की मेमोरी में गया है वह है मस्ती, मजा, बेशर्मी। अब आपको घर में वाइब्रेशंस फैला दिए, आपका ये वर्ड सिद्ध हो जाएगा, और इसके सिद्ध होने के बाद आपने सुबह गुड मॉर्निंग इससे करनी है ना, आपके उस दिन काम होंगे, होंगे कह रहा हूं मैं, अरे करना है, आप हील हो जाओगे, आपकी बॉडी हील होगी, यू आर गोइंग बियॉन्ड एंड अबव द हार्ट, अभ्यास की भी आवश्यकता नहीं है। इसको बहुत ध्यान से मनन करना है, मस्त लेना है अपने आप को। आपको ऐसे बहुत से वर्ड्स कंस्ट्रक्ट करने हैं, आपके इस वर्ड के कंस्ट्रक्शन के दौरान आप जिससे बात कर रहे हैं और उसके कानों में वर्ड चला गया है वो आपके मिरर न्यूरॉन से इफेक्टेड हो जाएगा, आप मस्ती में है वो मस्ती में आ जाएगा। तो दिस इज चार्जिंग, चार्ज खुद को चार्ज करना, आप डेवलप कर सकते हैं ऐसे बहुत से वर्ड्स। आपका चेहरा जीवन में 40 की एज टच करते करते ऐसा हो जाता है, ऐसा खत्म हो जाता है, धरती नीचे खींचती है ग्रेविटेशन पुल से, झुर्रियां नीचे को आती है बॉडी पे, क्यों, क्योंकि आपने यही प्रैक्टिस करी है। आप बुढ़े होने लगते, फिर आप कहते ओ माय गॉड मेरे चेहरे की सुंदरता पेरेंट नकदी के बिना चलेगी, आपको आवश्यकता नहीं है, आपके अंदर से बॉडी बना के देगी रसायन और आप युवा रहेंगे, आपके चेहरे पे झुर्री से आपकी सुंदरता बढ़ जाएगी। ये वो वर्ड है झावल ड्रिल, आप बूढ़े होने की सोचो, आप बूढ़े में माल लगोगे यार, लोगेंगे क्या बुढ़िया यार, क्या बुढ़ा यार, ऐसे वाले बुढ़े होते हैं। बूढ़े की उम्र कब से शुरू, जब से सोचना शुरू करे, जब से बॉडी को कमांड देना शुरू करे तब से बूढ़े की उम्र शुरू। विदेश में जेन कल्चर को लेने वाले शाओलिन, शाओलिन टेम्पल, शाओलिन आप जानते होंगे कुंफू का मंदिर है, शाओलिन ताइक्वांडो कुंफू कराटे, ये लोग सिंपल सी टेक्निक लेके चलते हैं और 70 साल 80 साल उम्र मात्र रह जाती है, एक उम्र मात्र रह जाते, शब्द रह जाते हैं, बुढ़े होके राजी, गरिमामय गौरवपूर्ण कैसा होता है वो बूढ़ा। अमिताभ बच्चन हमारे पास एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल है, जॉर्ज क्लूनी बहुत प्यारा एग्जाम्पल है, ऐसा बूढ़ा होने को लोग तरसे, वो कब है जब आपके पास झावल ड्रिल है, कोशिश नहीं करनी है झावल ड्रिल करनी है। आपकी लाइफ में ये फनी वर्ड इसलिए क्योंकि ये पता ही नहीं क्या है, इसलिए पता ही नहीं करके दिखाओ,
आपको सारे टाइम पता होता तो ही तो खोपड़ी खराब रहती है। ये हो रहा है, ये तीन चक्र से चला 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 नीचे जाके इमोशन बन गई, फीलिंग बन गई, जिंदगी में रोना पिटना ऑन हो गया, सुख मिले नहीं रहा। जब कहते पता ही नहीं यार, यार पता ही नहीं। अच्छा, बच्चे को पता ही नहीं होता गर्भ में, पल्प उसके बड़ा हो जाता है। जब तक उसे पता नहीं होता, बच्चे को रोटी भी मुंह में जाती है, उसकी शुशु पट्टी भी साफ हो जाता है, उसके मजे है। जैसे ही उसे पता लगने लगता है ना, फिर वो रोता है। इसलिए ज्यादा पता मत लगाओ, झावल डंड अपनाओ। आज की क्लास हम पूर्ण करेंगे जी, धन्यवाद नमस्कार।